हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारे चैप्टर 9 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, बोरोविंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजंस, कंटिन्जेंट लायबिलिटी वगैरह का ऑडिट हम किस तरह से करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इनकम और एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे होगा, जिसमें सेल्स, परचेस, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स डिस्कस किए थे। पार्ट 2 के अंदर हमने प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स, इन्वेंटरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का ऑडिट कैसे करेंगे वो देखा था, और इस पार्ट में हम रिमेनिंग असेट्स और लायबिलिटीज चेक करेंगे। राइट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 टू 12 मार्क्स का क्वेश्चन तो आते ही है, उनसे ज्यादा पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं, इजी चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो अच्छे से करेंगे तो आ जाएगा। चलिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो भी है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल है उसी के बेसिस पर तो कोई भी कंपनी है वो सर्वाइव कर पाएगी, उसी के बेसिस पर वो अपना फंड वगैरह काम कर पाएंगे। राइट, तो शेयर कैपिटल के बारे में है। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोस्पेक्टस वगैरह के बेसिस पर ही जो पब्लिक कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी और उसी के बेसिस पर उनको शेयर कैपिटल सब्सक्राइब होंगे। राइट, उसी तरह से वो मेंबर्स बनते हैं, वो सारी चीजें दी गई है जो आपको पता है। तो प्रोस्पेक्टस हमें देखना होगा बीइंग एन ऑडिटर कि उसी हिसाब से उसमें जो टर्म्स कंडीशंस है वो सारी जो डिटेल्स है वो बराबर है या नहीं। चलिए इनके ऑडिट प्रोसीजर देखते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोविजन है वो अपने कंपनी एक्ट में पढ़े होंगे, वो सारे यहाँ पर कवर अप होंगे, तो ये आप रिलेट इजिली कर पाएंगे। चलिए, टू एस्टेब्लिश द एक्जिस्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल एज एट पीरियड एंड, एक्जिस्टेंस हमारा एक असर्शन है तो उसके लिए वो देखेंगे। देन इक्विटी बैलेंसेस दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज कंप्लीटनेस। जितनी भी इक्विटी बैलेंसेस हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए, वो सारी रिकॉर्ड और डिस्क्लोज की है, कंप्लीटनेस। एंड इक्विटी बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली, वैल्यूएशन बराबर है ये तो ये तीनों ही असर्शंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑडिट प्रोसीजर हम, टेली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथोराइज्ड इश्यूड एंड पेड अप टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पीरियड एंड पर जो बैलेंसेस है, राइट, ये जो शेयर कैपिटल है उन सभी की इश्यूड, पेड अप वगैरह, उनको हमें प्रीवियस ईयर के साथ देखना है कि दोनों में कितना डिफरेंसेस है। अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है तो हमें ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर नहीं करनी होगी, उसके लिए हमें सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेना होगा कंपनी सेक्रेटरी वगैरह के पास से, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो हमें देखना होगा कि क्यों ऐसा हुआ। In case there is no change during the year, obtain a written confirmation or representation from the company secretary that there were no changes in entity's capital structure during the year. सिर्फ हमें capital company secretary के पास से capital structure में कुछ भी change नहीं हुआ है उसका written representation लेना होगा। In case there is any change, verify whether the paid up share capital as at the period end is within the limits of authorized capital. Authorized capital should be verified by examining MOA. ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा वो इश्यू नहीं कर पाएंगे, तो बीइंग एन ऑडिटर हमें देखना है कि अगर उसमें चेंजेस है तो क्या वो विद इन ऑथोराइज्ड कैपिटल है या नहीं। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में एमओएम से पता चल जाएगा। ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट रेजोल्यूशंस पास्ड एट द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स ऑथोराइजिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इफ रिक्वायर्ड और पेड अप शेयर कैपिटल। अगर रिलेवेंट जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के मिनट्स वगैरह है या फिर उनके कोई भी डिस्कशन हुआ है तो उनकी कॉपीज वगैरह चेक करेंगे, जिसमें से हमें पता चलेगा कि वो शेयर कैपिटल है वो बढ़ा रहे, चेंजेस है तो वो सारे ही उसमें से पता चल जाएंगे। इन केस ऑफ फ्रेश इश्यू मेड इन द करंट ईयर, चेक विथ कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 विथ रिगार्ड टू रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड, मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन एज पर सेक्शन 40 एक्सेट्रा। जो भी फ्रेश इश्यू के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है, उनके कंप्लायंस करने हैं, वो किए हैं या नहीं वो हमें देखना रहेगा। देन नो शेयर्स हैव बीन इश्यूड एट डिस्काउंट एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी शेयर से वो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता, राइट, प्रीमियम हो सकता है। चेक इफ शेयर्स आर इश्यूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर एग्जाम्पल टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, अंडरराइटर्स फॉर कमीशन पेएबल टू देम एटसेट्रा। जो भी शेयर्स इश्यू हुआ है वो कैश के सामने है या नहीं वो हमें देखना रहेगा। देन कंप्लायंस विथ सेबी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, शेयर्स लिस्टेड होंगे तो सेबी गाइडलाइंस वगैरह फॉलो हुई है या नहीं वो भी हम देखेंगे। देन ऑल्सो ऑब्टेन एंड वेरीफाई कॉपीज ऑफ फॉर्म्स फाइल्ड विथ MCA, दैट इज फॉर्म SH7 फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, फॉर्म PAS3 फॉर इंक्रीज इन पेड अप शेयर कैपिटल, एंड विथ RBI
form FCGPR in case of a foreign direct investment by a non-resident shareholder and verify the number of securities issued along with the issue price. हमें various forms जो MCA के साइट पर हमें फिल करने रहते हैं, राइट, वो सारे फॉर्म्स हमें देखने रहेंगे. आपने वो कंपनीज एक्ट लॉ के अंदर पढ़ा होगा. In case there was increase in share capital, verify whether the company has accurately calculated the required fee and stamp duty payable to MCA. वो जो fees वगैरह pay करनी थी वो बराबर की है या नहीं. ये normal share capital related audit procedures हमें बताई गई है कि अगर changes हुए हैं, right? तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि changes वो board meeting में approve हुए या नहीं, MCA के साथ जो filing किया वो बराबर है या नहीं, कोई भी shares है वो discount पे issue नहीं किया है ना, वो सारी चीजें हमें कवर अप करनी रहेंगी. और जो भी कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस है वो फॉलो किए हैं या नहीं वो देखना रहेगा. अगर कुछ भी चेंज नहीं है प्रीवियस ईयर से तो सिर्फ हमें कंपनी सेक्रेटरी के पास से सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा. ये जो कंपनी सेक्रेटरी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना वाला पॉइंट है वो करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, तो ये अच्छा से कीजिए. चलिए, देन शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, ये अलग से फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे. अब जो भी शेयर कैपिटल में वेरियस सिचुएशंस, वेरियस प्रोविजन के हिसाब से अगर ऐसे सिचुएशन में कुछ हुआ है, शेयर कैपिटल इश्यू इस तरह से हुआ है, तो क्या ऑडिट प्रोसीजर करेंगे वो सब कुछ बताया गया है. सो सबसे पहले है शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम. इन केस अ कंपनी हैज इश्यूड शेयर्स एट प्रीमियम, दैट इज एट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स वेदर फॉर कैश और अदरवाइज, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी शैल ट्रांसफर द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड स्टेट द पर्पस फॉर विच द अमाउंट इन द अकाउंट कैन बी अप्लाइड. तो उसमें जो प्रीमियम है, मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है उनसे ज्यादा अमाउंट उन्होंने जो रिसीव की है उसे अलग से अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा और वो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज हो सकता है. There is no restriction or condition prescribed in the Act for issue of shares at premium. Shares at premium कोई भी issue कर सकता है. The provisions of this Act relating to deduction of share capital of a company shall apply as if the securities premium account were the paid up share capital of the company. Then application of securities premium account. The securities premium account may be applied by the company for the following purposes. First, towards the issue of unissued shares of the company to the members of the company as a fully paid bonus shares. बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए ये सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है. इन राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर कुछ भी है तो वो राइट ऑफ करना है तो उसके लिए. देन इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू करने में कोई भी एक्सपेंस हुआ है, कमीशन या फिर डिस्काउंट वगैरह, तो उसे भी राइट ऑफ कर सकते हैं. In providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference shares or of any debentures of the company. Redeemable preference shares या फिर redeemable debentures से उनको redeem करने के time भी premium अगर pay करना है तो उसके लिए भी ये securities premium है वो use हो सकता है. For the purchase of its own shares or other securities under section 68 buyback. बायबैक करने के लिए भी ये सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है. तो उन पांच चीजों के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए, देन कोई भी शेयर्स डिबेंचर्स है उनको इश्यू करने में जो डिस्काउंट कमीशन एक्सपेंस है उनको राइट ऑफ करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में करने के लिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर जो डिबेंचर है उनका रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है तो उसके लिए, या फिर बायबैक करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं. ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थियरी मतलब प्रैक्टिकल मैं केस स्टडी बनाकर भी पूछ सकते हैं या फिर ये एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा. The auditor needs to verify whether the premium received on shares, if any, has been transferred to a securities premium account. जो भी premium received हुआ है वो securities premium account में transfer किया है या नहीं वो हमें check करना है. And whether the application of any amount out of the said securities premium account is only for the purpose mentioned above. और अगर securities premium में से कुछ भी utilize हो रहा है तो क्या वो जो specified purposes जो है allowed purposes है उसी के लिए use हुआ है या नहीं वो हमें देखना रहेगा. चलिए, तो ये था शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम. अब देखते हैं शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, मतलब ये शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम में पहले आपको प्रोविजन समझाया और फिर ऑडिटर क्या करेगा वो भी समझाया, दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं. चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी शैल नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स गिवन अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13. कोई भी कंपनी है वो डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती एक्सेप्ट वो स्वेट इक्विटी शेयर्स हो. Any shares issued by a company at a discounted price shall be void, right? To a not
ये जो 2A पॉइंट है वो शायद आपकी बुक में नहीं होगा, आपके पास प्रिंटेड फिजिकल बुक होगी तो उसमें ये पॉइंट नहीं है, तो ये सॉफ्ट कॉपी में से आप देख लीजिएगा, ये अमेंडमेंट है, पहले नहीं था इसलिए आपके बुक में नहीं आया है। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, अ कंपनी में इश्यू शेयर्स अ डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स व्हेन इट्स डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन परस्यूएंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम इन अकॉर्डेंस विद एनी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस और रेगुलेशंस स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई भी क्रेडिटर्स है उनको पे करने की जगह पर उनके जो लायबिलिटी थी उनको अगर शेयर्स में इश्यू कन्वर्ट कर दिया है तो वहां पर डिस्काउंट पर शेयर्स हो सकते हैं, वो अलाउड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, राइट। ये मई 23 में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है, ये अमेंडमेंट है तो इंपॉर्टेंट है, राइट। पूछ लिया है तो फिर से नहीं पूछ सकते, इसलिए अब कम चांसेस है, राइट। वेयर एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन सच कंपनी and every officer who is in default shall be liable to a penalty which may extend to an amount equal to the amount raised through the issue of shares at a discount or a 5 lakh rupees whichever is less, and the company shall also be liable to refund all monies received with interest at the rate of 12% per annum from the date of issue of such shares to the persons to whom such shares have been issued. isme penalty ke provisions hai aur agar shares at discount issue kar diye to un sabhi ko fir se aapko return karne honge aur 12% per annum ke hisab se interest bhi pay karna hoga, right. ye audit ke liye itna important nahi hai. the auditor needs to check the movement in share capital during the year and wherever there is any issue. jab bhi share capital mein movement ho rahi hai tab hame dekhna hai ki discount pe koi bhi issue nahi hua hai na. he should verify that the company has not issued at any of its shares at discount by reading the minutes of meetings of its directors and shareholders authorizing issue of share capital and the issue price. हमें ये issue of share capital देखना होगा कि वो कुछ भी discount पर नहीं हुआ है ना, वो check करेंगे, minutes वगैरह देखेंगे और हमें पता चलेगा. further auditor should also verify that whether the company has issued shares at discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with guidelines or directions or regulations specified by the RBI as per the RBI act or banking regulation act. जो हमने प्रोविजन पढ़ा कि क्रेडिटर्स को दे सकते हैं, तो बीइंग एन ऑडिटर हमें चेक करना है कि क्या किसी क्रेडिटर को इस तरह से शेयर्स इश्यू किए हैं, राइट, एट डिस्काउंट, वो बराबर है या नहीं वो देखेंगे, राइट. ये दोनों ही, मतलब ये पॉइंट और मैंने जो आगे प्रोविजन है वो दोनों ही बनाकर मई 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ये अमेंडमेंट था. ये भी, ये पॉइंट भी आपके बुक में शायद नहीं होगा, राइट, तो वो सॉफ्ट कॉपी में से पढ़ लीजिएगा. चलिए, ये था शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट. देन इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द एम्प्लॉइज मे बी कंपेंसेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. एम्प्लॉइज को अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं, अपने खून पसीने के मेहनत के लिए इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं, तो वो सेक्शन 54 से गवर्न होंगे. स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश for providing know-how or making available right in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called. Sweat equity shares hai wo employees ya fir directors ko diye gaye hain at discount ya fir consideration other than cash. wo unhone apne know-how, apne intellectual time, property wagera jo diya uske liye sweat equity shares diya jata hai. ye November 22 mein ye meaning pucha gaya hai ek bar. iske sath dusra question bhi tha, dono question milkar 4 marks mein pucha tha. The auditor needs to verify that this sweat equity shares issued by the company are of a class of shares already issued and the following conditions have been complied with. उसके लिए कुछ conditions है, वो हमें देखनी रहेगी. The issue is authorized by a special resolution passed by the company. Special resolution pass होना चाहिए. The resolution specifies the number of shares, the current market price consideration if any, and the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued. जो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करने वाले हैं तो उनकी मार्केट प्राइस क्या होगी, कंसिडरेशन किस तरह से मिलेगा, किस एम्प्लॉय और डायरेक्टर के क्लास को ये मिलने वाला है, वो सारी चीजें वो रिजोल्यूशन में होनी चाहिए. कोई एक पॉइंट है वो ओमिटेड है, प्रोविजन कंपनीज एक्ट में से ही ओमिट कर दिया है. देन वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय द सिक्योरिटीज and exchange board in this behalf, and if they are not listed, the sweat equity shares are issued in accordance with such rules as may be prescribed. uske liye jo bhi rules regulations applicable hai wo dekhne rahenge. agar wo listed shares hai to sabhi ke guidelines dekhne, unke rules lagenge, baaki companies act mein jo diye hai wo applicable honge.
The rights, limitations, restrictions and provisions as applicable to equity shares shall be applicable to the sweat equity shares issued under this section, and the holders of such shares shall rank pari passu with the other equity shareholders. Simple. ये अपने कंपनी एक्ट में भी पढ़ा होगा. तो ये प्रोविजन था. अब ऑडिटर को क्या चेक करना रहेगा? Also needs to verify whether fresh issue of shares was a right issue or a preferential issue. जो भी fresh issue है वो right issue या preferential issue है या नहीं. And whether the relevant requirements for issue of share capital as per the provisions of Companies Act 13 have been complied with. Simple. Then reduction of capital. For verifying reduction of capital, the auditor needs to examine whether the company has followed the specific requirements as required by Section 66 of the Companies Act 13. The auditor shall undertake the following audit procedure. Reduction of capital, internal reconstruction. ये आपने कंपनी सेक्ट में भी पढ़ा होगा और ये आपका एडवांस अकाउंट में भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर आता है, तो उसमें भी आपने ये प्रोविजंस पढ़े होंगे और इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होती है वो भी देखा होगा, राइट? चलिए वो समझते हैं. Verify that the meeting of the shareholders held to pass the special resolution was properly convened and the approval was circularized in advance to all shareholders. जो भी shareholders की meeting थी उनमें ये resolution pass होना चाहिए, उनके लिए सब कुछ वो meeting बराबर convened हुई है या नहीं और proposal सब कुछ पहले से ही circularized किया हुआ था या नहीं. Then verify that the articles of association authorizes reduction of capital. Articles of association है, उस हिसाब से रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो सकता है या नहीं वो हमें वेरीफाई करना है. अब अगर आपने ये चैप्टर में जो भी प्रोविजंस जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें अगर ये ध्यान रखा होगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, यहाँ पर वेरीफाई है, एग्जामाइन है, फिर चेक है, वाउच है, तो ये सारे वर्ब से ही स्टार्ट होता है क्योंकि हम ऑडिट इसी तरह से करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वाउच करेंगे, एनालाइज करेंगे, पूछेंगे, इंक्वायर करेंगे, राइट? तो इंस्पेक्ट करेंगे, तो ये सारे वर्ब्स से आपके आंसर स्टार्ट होंगे अगर आपको पूछा है किस तरह से हम ऑडिट करेंगे तो, राइट? चलिए. Examined that there has been no default with respect to repayment of deposits accepted by company or payment of interest on such deposits. Reduction of capital shall not be affected if such default exist. अगर कुछ भी डिपॉजिट में डिफॉल्ट हुआ रिपेमेंट या उसके इंटरेस्ट पेमेंट में तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल पॉसिबल नहीं है, तो कैपिटल रिडक्शन अलाउड नहीं होगा, वो हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. एग्जामाइन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कंफर्मिंग द रिडक्शन एंड वेरीफाई दैट अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर एंड द मिनट हैव बीन रजिस्टर्ड एंड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास होना जरूरी है, तो उसे हम चेक करना होगा और ये ROC को भी हमें फाइल करना होगा. चेक द रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट एज रिगार्ड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, उसके लिए रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, वो भी चेक करेंगे. वाउच द अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड टू रिड्यूस द कैपिटल एंड टू राइट डाउन द एसेट्स बाय रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ऑल्सो चेक वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिलेशन टू प्रेजेंटेशन. जो रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ है तो उनकी हम अकाउंटिंग एंट्रीज भी चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं, उनमें अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो सारे मतलब देख लेंगे कि बराबर है या नहीं, और उसके लिए शेड्यूल 3 में भी अगर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल हुई है या नहीं वो भी हमें देखना रहेगा. चलिए, ये आपने एडवांस अकाउंट में पढ़ा होगा. देन कंफर्म वेदर द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स हैज बीन प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट. अगर उसमें असेट्स रिवैल्यू हुई है तो उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है या नहीं. द कंपनी में रिड्यूस द कैपिटल बाय रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल और कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट कैपिटल और पेइंग ऑफ एक्सेस पेड अप कैपिटल. वेरीफाई द एडजस्टमेंट्स मेड इन द मेंबर्स अकाउंट्स इन द रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स एंड कंफर्म दैट ईदर द पेड अप अमाउंट शोन ऑन द ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन अल्टर्ड और न्यू सर्टिफिकेट्स हैज बीन इश्यूड इन लियू ऑफ द ओल्ड एंड द ओल्ड वन हैव बीन कैंसल्ड. जो भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ है तो वो स्पेसिफिक मेंबर के अकाउंट में भी वो सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं या नहीं वो हमें देखना होगा. इवन सर्टिफिकेट्स में भी अगर वो अमाउंट वगैरह चेंज करनी है तो करना होगा. कंफर्म दैट द वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड इफ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल हैव बीन एडेड टू द नेम ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट. एंड रिड्यूस्ड कई बार ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकती है, तो उनके ऑर्डर के हिसाब से अगर एंड रिड्यूस्ड लिखना है कंपनी के नेम के पीछे तो वो लिखा हुआ है या नहीं वो हम देखेंगे. Check if the company have complied with all the terms and conditions imposed by the tribunal while confirming reduction of share capital. जो भी tribunal की terms conditions है उन्होंने impose की थी वो उन्होंने comply की है या नहीं company ने वो हम देखेंगे. Verify that the memorandum of association of the company has been suitably
amended. और उसकी वजह से MOA में जो changes करने हैं authorized capital, capital word clause में, तो वो सारे changes हो चुके हैं या नहीं, वो भी हम देखेंगे. तो reduction, capital reduction में ऑडिटर को क्या चेक करना है? सबसे पहले तो जो मेंबर्स की मीटिंग होगी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए, वो बराबर हुई है या नहीं, वो देखेंगे. देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये अलाउ किया है या नहीं, वो हम चेक करेंगे. फिर जो भी डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट्स के रिपेमेंट में या फिर इंटरेस्ट के रिपेमेंट में, क्योंकि अगर वो होगा तो वो कैपिटल रिडक्शन अलाउड नहीं है, तो वो देखना है. देन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो भी आया है राइट रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वो देखेंगे. और वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC में फाइल किया है या नहीं. फिर उसके बाद रजिस्टर का जो सर्टिफिकेट आया होगा वो हमें चेक करना है. फिर हमें जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास की है फॉर द कैपिटल रिडक्शन, वो हम चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं, उसका प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स वगैरह हुई है तो उसे बैलेंस शीट में बराबर प्रेजेंट किया या नहीं, वो हमें देखना होगा. देन रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो भी है राइट, उसकी वजह से जो भी कैपिटल कैंसिल होगी, रिड्यूस होगी, वो सब की इंपैक्ट मेंबर्स के अकाउंट्स में और उनके सर्टिफिकेट्स में आ गई या नहीं, वो देखेंगे. अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है एंड रिड्यूस लिखना एट द एंड ऑफ द कंपनीज नेम, तो वो लिखा हुआ है या नहीं, वो देखेंगे. और टर्म्स कंडीशंस ऑफ ऑर्डर होंगे ऑफ ट्रिब्यूनल्स राइट, वो सारे फुलफिल इम्पोज किए हैं, वो सारे कंप्लाई किए हैं या नहीं, वो देखेंगे. और लास्ट में MOA में जो चेंजेस करने होंगे उस वजह से, वो देखने आएंगे. If the company has made any buyback of securities, ensure compliance of specific requirements as given under section 68 of the Companies Act 2013. Buyback के लिए जो section 68 है, उनका compliance हुआ है या नहीं, वो हमें देखना रहेगा. वो आपने लो में पढ़ा होगा. चलिए फिर उसके disclosures की बात है. Share capital for the each class of share capital, different classes of preference shares to be treated separately. The number and amount of shares authorized, कितने number और amount of shares है वो authorized capital कितनी है वो बताएंगे. Number of shares issued, subscribed and fully paid and subscribed but not fully paid. कितने shares issue किए, कितने subscribe हुए, fully paid and subscribed but not fully paid वो. Then per par value per share, reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period. शुरुआत में कितने shares थे और at the end कितने हैं. The rights, preferences and restrictions attaching to each class of shares, including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital. जितने भी rights, preference, restrictions, सारी चीजें हैं, वो भी हमें यहाँ पर disclose करनी रहेगी. Shares in respect of each class in the company held by its holding company or its ultimate holding company, including shares held by or by subsidiaries or associate of the holding company or the ultimate holding company in aggregate. Holding, subsidiary, ultimate holding, holding company या फिर associate company ने कितने shares held किए हैं, वो सारे disclose करने होंगे अलग से. Shares in the company held by each shareholder holding more than 5% shares, specifying the number of shares held. जिस भी शेयर होल्डर ने 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग की है, उनका डिस्क्लोजर अलग से होना चाहिए, क्योंकि वो मटेरियल बन जाएंगे. शेयर्स रिजर्व्ड फॉर इश्यू अंडर ऑपरेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट्स फॉर द सेल ऑफ शेयर्स और डिसइन्वेस्टमेंट, इंक्लूडिंग द टर्म्स एंड अमाउंट्स. अगर डिसइन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट्स वगैरह कुछ भी है तो वो भी अलग से डिस्क्लोज करेंगे. फॉर द पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the dates at which the balance sheet is prepared, aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contracts without payment being received in cash. जहाँ पर contracts बने हैं वहाँ पर without payment being made in cash, ऐसा कोई भी contract हुआ है वहाँ पर ऐसे ही shares issue किए हैं तो उनको 5 साल के लिए दिखाना है अलग से. Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares. अगर कोई भी bonus shares issue किए हैं तो वो भी 5 साल के लिए दिखाएंगे. एग्रीगेट नंबर ऑफ नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स बॉट बैक और बाय बैक किया है तो वो भी 5 साल के लिए दिखाना रहेगा. ये आपको अलग से क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स के लिए कि कब कब हमें 5 ईयर्स के लिए ये सारी चीजें दिखानी है तो और क्या दिखाना है, तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे. इसमें से कुछ करेक्ट इनकरेक्ट MCQ भी बन सकते हैं. ये जितने भी डिस्क्लोजर है शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट MCQ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है. Terms of any securities convertible into equity and preference shares issued along with the earliest date of conversion in descending order starting from the farthest such date. Securities convertible into equity या फिर preferences वगैरह कुछ भी है तो वो सारी चीजें आपको दिखानी है कब से वो convertible है. Then calls unpaid, showing aggregate value of calls unpaid by directors and officers. Calls unpaid जो भी है और directors वगैरह का है तो वो भी अलग से दिखाएंगे. Forfeited shares, amount originally paid up.
A company shall disclose shareholding of promoters as below. Shares held by promoters at the end of the year. Promoters कितने shares held कर रहे हैं वो दिखाना है. इसमें serial number, promoter का नाम, number of shares, percentage of total shares और percentage change during the year. Promoters अगर share held कर रहा है तो इस तरह से ये disclose करना है. ये भी November 22 में पूछा हुआ है. Sweat equity shares का meaning और promoters का disclosure, ये दोनों ही एक साथ 4 marks में पूछे थे. Promoters here means promoters as defined in Companies Act 13 details shall be given separately for each class of shares. Percentage change shall be computed with respect to the number at the beginning of the year or if issued during the year for the first time when the with respect to the date of issue. ये जो percentage change है वो हमें previous year beginning में जो share sell कर रहे थे उसके साथ करने हैं या फिर अगर इसी साल में issue किए हैं तो जिस दिन पर ये issue किए थे उस दिन से ये percentage change हमें दिखाना पड़ेगा. चलिए फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम. अगर आपने चैप्टर 10 का रिवीजन देख लिया है तो 143 सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना रहेगा. उसमें क्लोज जे है उसके अंदर पांच से छह सब क्लोजेस है. उसमें जो फोर्थ है उसमें दिखाया था कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किस तरह से करते हैं. वो जो था जिसमें फंडिंग पार्टी इंटरमीडिएटरी और अल्टीमेट बोरोबियर अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बारे में था वो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आएगा. वेयर कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड फंड्स इधर बोरोड फंड्स और शेयर प्रीमियम और एनी अदर सोर्सेज और काइंड ऑफ फंड्स टू एनी अदर पर्सन और एंटिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज इंटरमीडियरीज विद द अंडरस्टैंडिंग वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अदरवाइज दैट द इंटरमीडियरी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड और इन्वेस्ट in other person or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company that is ultimate beneficiary or provide any guarantee security or like to or on behalf of the ultimate beneficiary. मतलब यहाँ पर कोई एक कंपनी जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी है वो किसी और पर्सन को देती है. वो कोई भी एंटिटी पर्सन हो सकता है जो होगा इंटरमीडियरी और वो इंटरमीडियरी को दे रहे हैं और इंटरमीडियरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और कंपनी को दे रहे हैं तो वो जो लास्ट में जो भी पर्सन होगा यहाँ पर इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं तो वो जो लास्ट में होगा वो उसे क्या कहेंगे अल्टीमेट बेनिफिशियरी होगा. राइट तो वो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है राइट मतलब ये जिस कंपनी का ऑडिट हम कर रहे हैं वो किसी और को देते हैं जिसे हम इंटरमीडियरीज कहेंगे और वो किसी और को देते हैं अल्टीमेट बेनिफिशियरीज को. राइट तो यहाँ पर इंटरमीडियरीज और अल्टीमेट बेनिफिशियरीज दोनों की ही जो भी डिटेल्स है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होगा वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये रिसेंटली एडेड डिस्क्लोजर में है. राइट ये काफी डिफिकल्ट है प्रैक्टिकली चेक करना और ऑडिट करना बट ये कंपलसरी है और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की भी आएगी कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के हिसाब से ऑडिटर को देखना है कि जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी डिस्क्लोजर किए हैं वो सारे आ गए और ऐसा रिप्रेजेंटेशन लेना है कि मैनेजमेंट को जितना भी पता है वो सारे डिस्क्लोजर उन्होंने कर दिए हैं. तो यहां पर मैनेजमेंट को क्या डिस्क्लोज करना है वो देखते हैं. द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड इन इंटरमीडियरीज विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच इंटरमीडियरी. अगर कोई भी इंटरमीडियरी को अमाउंट एज एडवांस लोन या फिर इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से दिया है राइट तो जितनी भी वो सारी कंप्लीट डिटेल्स उनकी देनी रहेगी. डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड और फर्दर एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड बाई सच इंटरमीडियरीज टू अदर इंटरमीडियरीज और अल्टीमेट बेनिफिशियरीज अलॉन्ग विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरीज. अगर वो इंटरमीडियरी ने किसी और को दिए है वो इंटरमीडियरीज अदर इंटरमीडियरीज भी हो सकता है या फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी हो सकता है तो उन सभी की डिटेल्स आपको यहां पर मेंशन करनी है. डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी और द लाइक प्रोवाइडेड टू और ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी. किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बिहाफ पर कोई भी गारंटी वगैरह दिया है तो वो भी डिस्क्लोज करना है. डिक्लेरेशन दैट रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द फेमा एक्ट 1999 एंड कंपनीज एक्ट हैज बीन कंप्लाइड विथ फॉर सच ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शंस आर नॉट वायोलेटिव टू द पीएमएल एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000. और ऐसा डिक्लेरेशन देना है मैनेजमेंट को कि कोई भी जो फेमा एक्ट है कंपनीज एक्ट है और पीएमएल एक्ट है उनका वायोलेशन नहीं हुआ है. तो ये चार चीजें डिस्क्लोजर आएगी कब जब ये चीज होगी. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए पर ये चैप्टर 10 में मैंने थोड़ा सा इन डिटेल समझाया तो वहां से आप पहले देख लीजिएगा फिर यहां पर देखेंगे तो इसी रहेगा. वैसे ही चीज अगर कंपनी है वो इंटरमीडियरी है उनको किसी के पास से पैसे मिले हैं और वो किसी और को देते हैं पैसा तो उनको इंटरमीडिएट जो फंडिंग पार्टी है और अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उनके बारे में डिटेल्स
रिकॉर्ड करनी रहेगी, डिस्क्लोज करनी रहेगी. वेर कंपनी हैज रिसीव्ड एनी फंड फ्रॉम एनी पर्सन और एंटिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज फंडिंग पार्टी विद द अंडरस्टैंडिंग वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अदरवाइज दैट द कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्सन और एंटिटीज आइडेंटिफाइड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर by or on behalf of the funding party ultimate beneficiaries or provide any guarantee security or the like on behalf of ultimate beneficiaries the company shall disclose the following date and amount of fund received from funding parties with complete details of each funding party. agar company jo hai unko kisi aur ke paas se paise mile hai to wo jo funding party hai unke bare mein details disclose karni hogi. date and amount of fund further advanced or loaned or invested in other intermediaries or ultimate beneficiaries along with the complete details of the other intermediaries or ultimate beneficiary. aur jo company ko kisi aur ke paas se paise mile aur wo kisi aur ko dete hai to wo other intermediaries hue ya fir ultimate beneficiaries hai unki bhi sari details deni rahegi. date and amount of guarantee security or the like provided to or on behalf of the ultimate beneficiaries. simple declaration that relevant provisions of the FEMA Companies Act and PML Act are complied, right? aur kuch bhi violation nahi hua hai, right? similar jo humne upar padha, right? ye thoda sa difficult hai par important bhi hai. yahan par jo bhi bold mein diye gaye jitne bhi disclosures hai wo important rahenge. chaliye then reserves and surplus diye hain. reserves and surplus reserves are the amounts apportioned out of profits that are not intended to meet any liability, contingency, commitment or diminution in the value of assets known to exist as at the balance sheet date. reserves are a vital source of financing by internal means. they are held for the purpose of distribution of dividend or financing the expansion of the company or strengthening the company financially. जो भी reserves हैं उनमें से dividend declare कर सकते हैं या फिर expansion भी कर सकते हैं. The company utilizes the reserves according to the nature and time of such reserve. The reserve can be segregated as revenue or capital reserve. Reserves को हम दो bifurcation करते हैं, capital reserve and revenue reserve. Capital reserve में से dividend declare नहीं हो सकता. Revenue reserve represents profits that are available for distribution to shareholders or below purpose such as to supplement divisible profit in lean years. मतलब जिस year में profit नहीं है तो वहां पर हम divisible कर सकते हैं, dividend दे सकते हैं. Finance and extension of business, business को extend कर सकते हैं. Augment the working capital for of the business. Working capital को के लिए necessary जो amount है वो fund मिल जाएगा reserve में से. To generally strengthen the company's financial position. Right? Capital reserve represents a reserve which does not include any amount regarded as free for distribution. They can be utilized only for certain limited purposes. Capital reserve है वो limited purposes के लिए ही use हो सकता है. उसमें से dividend वगैरह declare नहीं कर सकते. वो हम distribute नहीं कर सकते. आपको correct incorrect में ऐसा question पूछ सकते हैं, right? ये revenue reserve और ये capital reserve के जो first meaning वगैरह है वो पूछ सकते हैं. एग्जाम्पल्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके हमने पांच यूटिलाइजेशन पॉसिबल है वो हमने देखे थे, तो वो लिमिटेड पर्पजेस के लिए ही होते हैं, राइट? देन कैपिटल रिडक्शन रिजर्व एटसेट्रा. इट मे बी नोटेड दैट इफ अ कंपनी अप्रोप्रिएट्स रेवेन्यू प्रॉफिट फॉर बीइंग क्रेडिटेड टू द असेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व विद द ऑब्जेक्टिव दैट दे आर टू बी यूज्ड फॉर अ कैपिटल पर्पजेस सच अ रिजर्व शैल ऑल्सो बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व. Capital reserve is created from capital profits earned through sale of capital assets such as sale of fixed assets, profit on sale of shares, etc. A capital reserve generally can be utilized for writing down fictitious assets or losses or subject to provision in the articles for issuing bonus shares if it is realized. सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमने देखा था कि हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर्स बायबैक के लिए कर सकते हैं, राइट? तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है, इस फिक्टिशियस असेट को राइट ऑफ करना है, तो ऐसे पर्पसेस हमें अवेलेबल हो सकता है. बट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड इन द सेक्शंस, राइट? चलिए अब उसकी ऑडिट प्रोसीजर करते हैं. रिजर्व एंड सरप्लस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काफी उसमें चेंजेस ही बहुत कम होते हैं और चेंजेस होते हैं तो वो जनरली प्रॉफिट होता है, उसी के वजह से होता है. टू एस्टेब्लिश द एक्सिस्टेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एट द पीरियड एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंसेस दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज कंप्लीटनेस एंड रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली. मैंने आपको पहले ही बताया है कि assertions यहाँ पर जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आपका क्वेश्चन बन सकता है और ये ऑडिट प्रोसीजर आपका आंसर बन सकता है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझिएगा. अभी हमने शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में तो क्या था कि तीनों दोनों ही
टॉपिक्स में assertions, सारे ही assertions एक ही साथ लिख दिए, उसमें सब कुछ ऑडिट प्रोसीजर एक ही साथ की है, बट कुछ आइटम्स ऐसी है जहां पर उनके assertion वाइज ऑडिट प्रोसीजर चेंज होती है, तो वहां पर खास अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वहां पर जिस जैसा assertion पूछा है वही ऑडिट प्रोसीजर होनी चाहिए, वही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए, ऑडिट प्रोसीजर, ट्रेस एंड टेली द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स एंड द सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके साथ उनके बैलेंस चेक करनी रहेगी। फॉर एडिशन और यूटिलाइजेशन इन करंट ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ सरप्लस डेफिसिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर अंडर ऑडिट। अगर इसमें मूवमेंट हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम क्या देखेंगे कि उसमें प्रॉफिट या लॉस जो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बराबर है या नहीं, उसी प्रॉफिट या लॉस को लिया है या नहीं वो देखेंगे। देन द मूवमेंट शुड बी ट्रेस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इन डेज के हिसाब से पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, बट वो अभी आपको नहीं पता होगा, इट्स ओके। Verify the resolution passed by the board of directors regarding the recommendation of dividend resolution passed by shareholders declaring the dividend. Students should note that as per S4 revised or Ind AS 10, if dividends to holders of equity instruments are proposed or declared after the balance sheet date, an entity should not recognize those dividends as a liability as at the balance sheet date. It should, however, disclose the amount of dividend that were proposed to or declared after the balance sheet date, but before the financial statements were approved for issue. Apne S4 पढ़ा होगा, राइट? एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस डेट, जिसमें डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है आफ्टर द बैलेंस डेट, राइट, तो उसके लिए सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा, उसे एज एडजस्टिंग इवेंट कंसिडर नहीं करना है, उससे हम एज ए लायबिलिटी कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? तो डिविडेंड बाद में डिक्लेयर हुआ है तो उसके लिए हमें सिर्फ उसका डिस्क्लोजर ही होना चाहिए, वो लायबिलिटी एज ए लायबिलिटी ट्रीट नहीं होना चाहिए, वो देखना रहेगा। Securities premium, it needs to be confirmed that the company has issued shares in excess of nominal value of the shares, and for the same the auditors should obtain and verify the resolution passed by the board of directors, right? Securities premium kab aayega, jab premium par shares issue karenge, wo humne aage dekha, right? So securities premium matlab premium par agar shares issue kar rahe to uske liye resolution pass hona chahiye, wo hume dekhna rahega. As already discussed in share capital, the utilization of securities premium है वो specific purpose के लिए ही use होना चाहिए, could be done only for limited purposes, right? वो हमने discuss किया, तो उसी के लिए utilize हुआ है या नहीं वो हमें देखना रहेगा। अब उसका disclosure है, reserve and surplus shall be classified as capital reserve, CRR, securities premium, ये कुछ omit किया वो काम का नहीं है, debenture redemption reserve, revaluation reserve, shares option outstanding account, other reserve, specify the nature and purpose for of each reserve and the amount in respect thereof. Then surplus, that is balance in statement of profit and loss disclosing allocation and apportions such as dividend, bonus shares and transfer to or from reserve, etc. Additions and deductions since last balance sheet to be shown under each of the specified acts. Simple. A reserve specifically represented by earmarked investment shall be termed as fund. वो किसी specific purpose के लिए है, right? तो अलग से fund में दिखाएंगे. Debit balance of statement of P&L shall be shown as negative figure under the head surplus. Similarly, the balance of reserve and surplus after adjusting negative balance of surplus, if any, shall be shown under the head reserve and surplus even if the resulting figure is negative. अगर statement of P&L में loss है तो उसे भी हमें negative में दिखाना होगा, but वो surplus का ही part होगा. और रिजल्टिंग फिगर भी रिजर्व एंड सरप्लस की बैलेंस का रिजल्टिंग फिगर भी नेगेटिव में है तो भी वो रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट रहेगा। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, चेंजेस इफ एनी ड्यू टू चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर, टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, डिविडेंड्स ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, एनी अदर चेंजेस एंड बैलेंस एट द। तो इसमें रिकंसिलिएशन देना है, बिगिनिंग में कितना था, देन चेंजेस क्या हुआ, कोई भी रीजन है, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, डिविडेंड उसमें से इश्यू किया है कुछ भी, रिटेन अर्निंग्स में कोई भी ट्रांसफर किया है या फिर और कोई भी चेंजेस है, और एट द एंड कितनी बैलेंस रहेगी। तो ये था हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का ऑडिट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, बोरोविंग्स। Liabilities are the financial obligation of an enterprise other than owner's funds. Liabilities include borrowings, trade payables and other current liabilities, deferred payment, credit and provisions.
लायबिलिटीज में ओनर्स फंड होता है राइट, वो तो इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगी, बट उसके अलावा एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी हो सकती है, बोरोइंग हो सकता है, ट्रेड पेएबल्स और कोई पेमेंट हो सकता है, पेएबल हो सकता है. Verification of liabilities is an important as of the assets, for if any liability is omitted or understated or overstated, the financial statements would not show a true and fair view of the state of affairs of the company. Right, अगर liabilities है वो omit हो गई या फिर overstated या फिर understated है तो financial statements है वो true and fair view represent नहीं करेंगे. हमने true and fair view क्या है, वो कैसे हम जज कर सकते हैं, उसके लिए चैप्टर 3 के पार्ट 1 में हमने कवर अप किया था. तो उसमें ये एक पॉइंट था कि लायबिलिटीज ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड भी नहीं होनी चाहिए और कोई भी मटेरियल लायबिलिटी है वो ओमिट नहीं होनी चाहिए. चलिए, बोरोइंग्स आर मनीज मेड अवेलेबल यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक बैंक लोन्स, डिबेंचर्स, पब्लिक फिक्स डिपोजिट एटसेट्रा. राइट, उसका ऑडिट कैसे करते हैं वो देखते हैं. यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. यहाँ पर देखिए, हमने वो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में मैं सारे ये एसर्शंस एक साथ दिए थे, बट यहाँ पर अलग अलग एसर्शंस हैं और उसकी ऑडिट प्रोसीजर्स अलग अलग है. तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है और ये आपका आंसर बनेगा. चलिए, ऑल बोरोइंग्स ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम्स बाय बैंक्स और अदर थर्ड पार्टीज दैट इज एग्जिस्टेंस, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट होने चाहिए. Review board minutes for approval of new lending agreements. During review, ensure that new loan agreements or bond issuance were authorized. Ensure that significant debt commitments were approved by the board of directors. अगर इस साल में कोई भी नए commitments से नई loan वगैरह approve किए हैं, तो उसके लिए मैं board meetings के minutes वगैरह check करने होंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कौन से borrowings इस साल में introduce हुआ है, मतलब लिए गए हैं. Right? कोई भी bond issue वगैरह हुए तो उसके भी सारी चीजें हमें वहां से मिल जाएगी और वो ऑथोराइज्ड अप्रूव्ड होने चाहिए, वो देखना रहेगा. एग्री डिटेल्स ऑफ लोन रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट रेट, नेचर एंड रीपेमेंट टर्म्स टू द लोन एग्रीमेंट. वेरीफाई दैट द बोरोइंग लिमिट्स इफ एनी इम्पोज्ड बाय एग्रीमेंट्स आर नॉट एक्सीडेड. हमें जो भी लोन रिकॉर्ड की है उनका इंटरेस्ट, रीपेमेंट टर्म्स, सिक्योरिटीज वगैरह वो किस तरह से लेनी थी, वो सारी चीजें हमें कंसिडर करनी रहेगी. वो लोन एग्रीमेंट्स हम चेक करेंगे. लोन एग्रीमेंट मतलब सैंक्शन लेटर वगैरह हो सकता है. राइट, और अगर वो एग्रीमेंट में कोई भी लिमिट दे रखी है कि इतने ही लिमिट तक बोरोइंग कर सकेंगे, जो एग्जिस्टिंग या प्रीवियस कोई भी बोरोइंग था उसमें ऐसा था, तो वो विद इन लिमिट है या नहीं. इवन एक्ट या फिर स्टैट्यूट कोई भी बोल रहा है कि आपको इतनी लिमिट तक ही आप बोरोइंग कर सकते हैं, तो उसका भी कंप्लायंस हुआ है या नहीं वो हमें देखना रहेगा. रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन SF505 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बोरोइंग्स फ्रॉम द लेंडर दैट इज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा. हम बैलेंस कंफर्मेशन लेंगे जितनी भी लोन्स वगैरह ले रखी है उसके लिए, ताकि पता चले वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या. एग्री डिटेल्स ऑफ लीजेस एंड हायर परचेस क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड टू अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स. ये अदर लायबिलिटी में हो जाएगा, लीज या फिर हायर एग्रीमेंट है तो उसे भी कंसिडर करेंगे, देखेंगे. इन केस ऑफ डिबेंचर्स एग्जामिन इंटरेस्ट डेट ऑफ फॉर टर्म्स एंड डेट्स ऑफ रिडम्पशन, बोरोइंग रिस्ट्रिक्शन एंड कंप्लायंस विद कोवेनेंट्स. डिबेंचर्स वगैरह है तो उसका ट्रस्ट डेट चेक करेंगे, कब रिडीम करना है, उसमें बोरोइंग्स के ऊपर लिमिट या रिस्ट्रिक्शन किस तरह से, वो सारी चीजें हमें पता चलेगी. When debt is retired, ensure that a discharge is received on assets securing the debt. जब भी हम डेट है रिटायर कर रहे हैं उनका रिपेमेंट कर देते हैं, तब वो जो भी सिक्योरिटी है उसके ऊपर से चार्ज हट जाना चाहिए. ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल लायबिलिटीज व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड रिप्रेजेंट अ वैलिड क्लेम बाय द लेंडर्स. हमें रिप्रेजेंटेशन लेना है कि जितनी भी लायबिलिटीज दे रखी है उसके ऊपर वैलिड क्लेम है, वो एक्चुअल में लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी है. राइट, तो ये एग्जिस्टेंस रिलेटेड था. हम बोर्ड की मिनट्स चेक करेंगे, लोन एग्रीमेंट वगैरह चेक करेंगे, डिबेंचर में ट्रस्ट डीड वगैरह चेक करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, कंफर्मेशंस वगैरह लेंगे. राइट, देन सेकंड असर्शन है दैट ऑल बोरोइंग्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन अ टाइमली बेसिस दैट इज कंप्लीटनेस. सारे ही जो बोरोइंग्स है वो टाइमली बेसिस पर पूरे ही रिकॉर्ड हो जाने चाहिए. ड्यूरिंग द ईयर जितने भी बोरोइंग्स हुए हैं वो सारे ही रिकॉर्ड हो जाने चाहिए. Obtain a schedule of short-term and long-term borrowings, including debts outstanding at the end of the previous year, as well as any new debt or renewal of debt, showing beginning and ending balances and borrowings taken and repaid during the year and perform the following. हमें पूरा ही schedule ले लेना है short term और long term borrowing का, जिसमें beginning में कितना था, during the year कितने loan ली है, कितना repay हुआ और closing balance कितना है. उसे हम previous year के balance sheet से check करेंगे, opening balances है वो तो मिल जाएगा, बाकी सभी के लिए हम नीचे दी गई process करेंगे. चलिए, consider any evidence of additional debt obtained through examination of minutes of the board of directors, significant contracts, confirmation from banks or lenders, support for subsequent cash disbursement when testing payables, etc. हम
एडिशनल बोरोविंग्स को चेक करना है ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई भी लोन ली है तो उसके लिए हम चेक क्या कर सकते हैं, बोर्ड की मीटिंग्स हुई है उनकी मिनट्स चेक कर सकते हैं, लोन एग्रीमेंट वगैरह है वो चेक कर सकते हैं, कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं, राइट। वो सारी चीजें करेंगे तो हमें एडिशनल लोन के बारे में सपोर्टिंग मिल जाएगा। प्रेस द क्लोजिंग बैलेंसेज एज पर द शेड्यूल्स टू द जनरल लेजर। जो भी बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको शेड्यूल्स के साथ जनरल लेजर के साथ हमें मैच करना रहेगा। रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू डिटरमाइन इफ देर आर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज एट ईयर एंड एंड द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड, फॉर एग्जाम्पल फ्रेश लोन टेकन नियर द बैलेंस डेट। कोई चीज ऐसी नहीं है ना कि जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन हुआ है बट वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड किया गया है, राइट। तो नेक्स्ट ईयर के भी थोड़े से ट्रांजेक्शन हम चेक कर लेंगे कि वो किस ईयर का पर्सुएंट है ताकि कंप्लीटनेस के बारे में हमें पता चले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन है वो इस ईयर में रिकॉर्ड हुआ, राइट। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर SF-505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन चैप्टर 3 पार्ट 2 में हमने कवर अप किया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। और ये डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर यहां पर भी आएगी। अब जो भी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब बोरोविंग है, ट्रेड रिसीवेबल होगा, ट्रेड पेएबल्स होगा और लोन्स एंड एडवांसेस, ये चारों में डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आएगी, राइट। तो ये अच्छे से समझिएगा। रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बोरोविंग्स फ्रॉम द लेंडर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। हम जितनी भी जगह से लोन ली है हमारे क्लाइंट ने, राइट, उन सभी के पास से हम उन सभी लोन के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से हम कंफर्मेशन मंगवाएंगे। एसर्टेन दैट द कंफर्मेशन आस्क्स फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन लाइकली टू बी रिलेवेंट टू द टेस्ट ऑफ डेट एंड रिलेटेड इंटरेस्ट बैलेंसेस, फॉर एग्जांपल एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट्स, ड्यू डेट्स, कोलेट्रल एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जितनी भी रिलेवेंट आइटम्स हमें लगेंगी, जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लगेगी, सभी के लिए हम कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी है, कब ड्यू डेट है पेमेंट की वगैरह सारी चीजें। सेंड रिमाइंडर्स फॉर नॉन रिप्लाइज, अगर वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं तो हम रिमाइंडर भेजेंगे। कंपेयर द बैलेंसेज एज पर द कन्फर्मेशन ऑब्टेंड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आस्क फॉर रिकन्सिलिएशन इफ देर आर एनी डिफरेंसेज एंड टेस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिकन्साइलिंग आइटम्स ऑन अ टेस्ट चेक बेसिस। हम जो भी कन्फर्मेशन में से जो बैलेंस मिलेगी और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड किया है उनको हम कंपेयर करेंगे और अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो उसके लिए रिकन्सिलिएशन मांगेंगे और उसके रिकन्सिलिएशन में जो भी आइटम्स है उनके लिए हम सपोर्टिंग्स भी मांग सकते हैं, राइट। चलिए ये था हमारा कंप्लीटनेस के लिए डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर करेंगे। इवन हम जितने भी एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए जो भी सपोर्टिंग मिलेगा, राइट, कॉन्ट्रैक्ट है, बोर्ड मीटिंग्स की मिनट्स है वगैरह, वो सारी चीजें चेक करेंगे और क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह चेक करेंगे तो हमारे कंप्लीटनेस के बारे में पता चलेगा। और हमें यह भी ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट ईयर में, फॉलोइंग ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, थोड़े से जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं तब तक अगर फॉलोइंग ईयर में स्टार्टिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन हुए हैं रिलेटेड टू बोरोविंग तो वो सारे देख लेंगे ताकि पता चले कि वो दैट पर्टेनिंग ईयर का ही है। कोई ऐसा नहीं कि जिस ईयर का हमें ऑडिट कर रहे हैं उस ईयर का कोई भी ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, देन दैट लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट वैल्यूएशन। Determined that the accounting policies and methods of recording debt are appropriate and applied consistently. जो भी हमारी borrowings related, जो भी हमारी accounting policies है, वो consistently follow हो रही है for the purpose of valuation. Agree loan balances and loan payables to the loan agreement. जो भी loan की balances है, वो हमें loan agreement से check करनी रहेगी। उसमें repayment schedule वगैरह मिल जाएगा, तो repayment schedule से पता चलेगा कि जिस year का हम audit कर रहे हैं 31st March year end है, तो तब कितनी balance outstanding होनी चाहिए, उसे हम compare कर पाएंगे। Recompute the interest and discount or premium on redemption, if any. हम इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट वगैरह है तो उसे रिकम्प्यूट करेंगे, रिकैलकुलेशन करेंगे ताकि पता चले वो एक्चुअल में बराबर है या नहीं। चेक कंप्यूटेशन ऑफ द अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट इफ एनी। जो भी अमोर्टाइजेशन है प्रीमियम या फिर डिस्काउंट वगैरह का, उसका कंप्यूटेशन चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं। डिबेंचर में ये जनरली ज्यादा होगा। फॉर फॉरेन करेंसी लोन्स चेक द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट्स यूज्ड एंड वेरीफाई द कंप्यूटेशंस ऑफ द रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। अगर फॉरेन करेंसी में कोई भी लोन ली है तो उसमें हम जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट लिया है वो बराबर है या नहीं, क्लोजिंग रेट है वो बराबर है या नहीं, हम चेक करेंगे एज पर AS 11। रीड द प्रोविजंस इन लोन एंड डेट एग्रीमेंट्स एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। टेस्ट दैट द एंटिटी इज इन कंप्लायंस विद लोन कोवेनेंट्स एंड अदर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट। हमें यह चेक करना है कि जो भी लोन एग्रीमेंट है, कोवेनेंट है, राइट, उसमें जो भी टर्म्स कंडीशंस दी है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। If there are any provisions with which the entity is not in compliance, determine whether the
डेट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट. अगर उसमें से कोई भी टर्म्स कंडीशंस का फुलफिलमेंट कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो क्या हमें उससे एज करंट लायबिलिटी दिखाना है, क्योंकि शायद हो सकता है कि फिर आपको तुरंत वो कंपनी जो है उनको तुरंत ही रीपेमेंट कर देना पड़े, तो शायद वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी. If enforcement of the provision has been waived by the lender in case of breach of any covenant by the entity, obtain confirmation of the waiver from the lender. अगर कुछ भी breach हुआ है और उसके लिए waiver है, ठीक है, माफ कर दिया है lender ने, तो उसके लिए हमें confirmation लेना रहेगा, उसके लिए supporting लेना रहेगा. Examine the due dates of loans for proper classification between long term and short term. जो भी लोन रिपेबल विद इन 12 मंथ्स है वो शॉर्ट टर्म या फिर करंट लायबिलिटी होगी, जो मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर 12 मंथ्स रिपेबल है वो लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई होगी. तो हमें उसके लिए रीपेमेंट की ड्यू डेट से वो सब कुछ लेना होगा, उस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी लोन शॉर्ट टर्म है और कौन सी लॉन्ग टर्म है, राइट. वेयर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स फॉलोइंग ड्यू विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इन पेरेंथेसिस और बाय वे ऑफ फुटनोट, वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट of such installment. Long term loans वगैरह falling due within a 12 months है, right? तो वो current liability short term में आएगी, तो उसे अलग से दिखाना होगा, disclose करना होगा, repayment schedule वगैरह होगा, उस हिसाब से बताना होगा किस तरह से installment वो pay करने वाले हैं वो. Examine the debt agreements for any restrictive covenants, review restrictive covenant and provisions relating to default and ensure disclosure thereof in the financial statements. अगर कोई भी restrictive covenant है जो restriction है उनके ऊपर financial statement वो या company के operations या फिर उनके दूसरे borrowing लेने पर, तो वो जो भी restriction है उनको देखना रहेगा, और अगर वो financial statement में necessary होगा तो वो disclosure हुआ है या नहीं वो भी हम check करेंगे. Examine the important terms in the loan agreement and documents if any evidencing charge in respect of such loans and advances. Examine whether the requirements of the applicable statute regarding creation and registration of charges have been complied with, including disclosure of the same to the extent mandated by statute and considered necessary for proper understanding of the user of the financial statement. Agar charges create karna, वो सारे register करवाना अगर कोई statute के हिसाब से necessary है तो वो करवाया है या नहीं वो हम check करेंगे. कंपनी सेक्ट के हिसाब से चार्जेस का रजिस्ट्रेशन क्रिएशन वो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से नेसेसरी है, राइट. तो वहां पर हमें देखना होगा जिस भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें चार्ज वगैरह क्रिएट किए हैं या नहीं, राइट. और उनका डिस्क्लोजर अगर नेसेसरी है तो वो भी हम चेक करेंगे. In case the value of security falls below the amount of the loan outstanding, examine whether the loan is classified as a secured only to the extent of the market value of the security. अगर किसी भी सिक्योरिटी की अमाउंट है वो बिलो दैट लिमिट मतलब लोन की है उनसे कम हो जाती है, तो क्या उसे हम मार्केट वैल्यू पर दिखाना चाहिए या नहीं, उसको किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे. Examine higher purchase agreements for the purchase of assets by the entity and ensure the correctness of the amounts shown as outstanding in the accounts and also examine the security aspect. Higher purchase agreement है उसके बारे में है, right? तो वो correct amount है या नहीं agreement के हिसाब से वगैरह सब कुछ उसका disclosure वगैरह है accounting वगैरह है वो बराबर है या नहीं. He should carefully review the borrowings from related parties and ensure compliance with AS 18 and Ind AS 24. जब भी related parties के पास से borrowing लिया गया है तब खास ध्यान रखना है, क्योंकि related parties के साथ transactions काफी risky हो सकते हैं. तो उसमें जो AS 18 है या फिर Ind AS 24 है related party transaction related, तो उसका compliance उसका हिसाब से disclosure हुए है या नहीं वो हमें देखना होगा. Verify whether liabilities towards bank in respect of bills discounted, bills negotiated, checks discounted, etc. are correctly reflected and disclosed in the financial statements. अगर कोई भी इस तरह की liability है तो वो बराबर disclosed हुई है या नहीं, ठीक है. The auditor should also verify that the amount borrowed is within the borrowing powers of the company as laid down by the AOA and MOA. जो companies है, right? उन्होंने जो भी borrowing किया है वो AOA और MOA की लिमिट्स जो प्रिस्क्राइब्ड है उनके अंदर ही है या नहीं वो यहाँ पर डिस्क्लोज करना होगा. वेरीफाई दैट द कंपनी हैज नॉट कॉन्ट्रावेंट द रिस्ट्रिक्शंस लेड डाउन बाय द सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोरोविंग्स ऑफ द कंपनी. आल्सो चेक कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ये सेक्शन 180, 185 एंड 186 है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोविंग्स रिलेटेड है, उसके कुछ कंप्लायंस करने रहते हैं, बट ये आपके सीए इंटर के कोर्स में नहीं है, वो सीए फाइनल में आएंगे, तो यहां पर अभी इन डिटेल आपको पूछने के चांसेस नहीं है. चलिए, एग्जामिन द पर्पस फॉर विच द अमाउंट इज बोरोड एंड एंश्योर दैट द अमाउंट इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. जो भी पर्पस के लिए बोरोविंग लिया है वो
पर्पस के लिए एक तो दे रहे हम यूज कर रहे हैं कि नहीं वो देखना होगा, और दूसरी चीज कि वो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है ना, कोई ऐसा मिसयूज नहीं हो रहा है ना वो फंड का, वो देखना रहेगा। Whether the entity has accepted deposits, examine whether the directives issued by the RBI or other appropriate authority have been complied with. Simple. चलिए ये था valuation related. Then disclosures देखते हैं. Long term borrowings. Long term borrowings shall be classified as bonds, debentures, term loans from banks and from other parties. जो भी term loan है उनको bank या फिर other parties के पास से मिली है तो उसे अलग से classify करेंगे. Then deferred payment liabilities, deposits, loans and advances from related parties. Long term maturities of finance lease obligation, other loans and advances specify the nature. ये classification रहेगा in notes to accounts. बाकी balance sheet के face पर तो long term borrowings ही दिखाया जाएगा. Borrowings shall further be subclassified as secured and unsecured. Nature of security shall be specified separately in each case. Secured or unsecured liabilities को अलग-अलग दिखाना रहेगा, right? उसमें nature of security जहाँ पर भी secured है, वहाँ पर nature of security specify करना necessary होगा. When loans have been guaranteed by directors or others, the aggregate amount of such loans under each head shall be disclosed. Loans है वो guarantee by directors या फिर किसी ने guarantee दी है तो उसको भी अलग से दिखाना रहेगा. Then bonds or debentures along with the rate of interest and particulars of redemption or conversion as the case may be shall be stated in descending order of maturity or conversion starting from farthest redemption or conversion date as the case may be. Where bonds or debentures are redeemable by installments, the date of maturity for the purpose must be reckoned as the date on which first installment becomes due. अगर bonds या debentures है वो शेयर्स में हो जाने वाले हैं, रिकन्वर्ट होने वाले हैं या फिर रिडीम करने वाले हैं तो उसमें उनका डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना रहेगा, राइट? और कब से वो रिडीम कब से करने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट्स में है तो कब से रिडीम करने वाले हैं वो भी बताना रहेगा. पर्टिकुलर्स ऑफ एनी रिडीम्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स विच द कंपनी हैज पावर टू रीइश्यू शैल बी डिस्क्लोज्ड. जो रिडीम कर दी है बट वो रीइश्यू कर सकते हैं तो वो भी डिस्क्लोज करना है. Terms of repayment of term loans and other loans shall be stated. Term loans वगैरह जो भी है, right? उनके जो भी terms है payment की, repayment की, वो भी disclose करनी होगी. Period and amount continuing default as on the balance date in repayment of loans and interest shall be specified separately in each case. अगर कोई भी loan के repayment में default किया है और वो continuing default है तो उसके बारे में भी details यहाँ पर specify करनी होगी, disclose करनी रहेगी. Other long term liabilities shall be classified as trade payables and others. Trade payables और others में करना होगा. Trade payables का audit कैसे होगा वो हम अलग से देख रहे हैं. चलिए फिर short term borrowings है तो उसमें भी classification same as above discussed वही है, वही सारे disclosure रहेंगे. यहाँ पर एक चीज रहेगी, current maturities of long term borrowings shall be disclosed separately. जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग से उसकी करंट मैच्योरिटीज है, मतलब वो रीपेमेंट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स करना है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का पार्ट रहेगा, राइट? बाकी सारी चीजें सेम है. फिर नोट्स डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं वो देखते हैं. फर्स्ट, वेयर द कंपनी हैज बोरोविंग फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट असेट्स इट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग whether quarterly returns or statements of current assets filed by the company with banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts. जहां पर भी current assets के सामने borrowings लिए हुए हैं, right? Working capital loan, short term borrowings generally इस तरह से होते हैं, right? तो उसमें उन्होंने quarterly statement submit करना रहता है bank को कि जिस basis पर पता चले कि उनकी current assets की values क्या है, जिसमें debtors, inventory वगैरह क्या है, वो सारी चीजें होती हैं. तो उसमें जो quarterly statements bank को submit किए हैं, वो quarterly statement क्या books of accounts के साथ match होते हैं या नहीं, वो management को यहाँ पर disclose करना रहेगा, right? If not, अगर वो नहीं हो रहे, तो summary of reconciliation and reasons of material discrepancies, if any, to be adequately disclosed. अगर वो मैच नहीं हो रहे तो उनकी reasons क्या है, right? वो सारी चीजें reconciliation और reasons है वो disclose करने रहेंगे. ये important है, ये disclosure आपको पूछ सकते हैं, right? और ये कारो 2020 में भी close में आएगा, तब हम फिर से discuss करेंगे, right? तो जब भी current assets के सामने loan दी गई है, राइट, लोन मिली है और क्वार्टरली स्टेटमेंट जो सबमिट करते हैं बैंक को, तो क्या वो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होते हैं या नहीं, वो यहाँ पर डिस्क्लोज करना है. अगर नहीं होते हैं तो उनका रिकंसिलेशन और रीजंस स्पेसिफाई करने रहेंगे. देन विलफुल डिफॉल्टर, वेयर अ कंपनी इज अ डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर फॉलोइंग डिटेल्स शैल बी गिवन. डेट ऑफ डिक्लेरेशन एज विलफुल डिफॉल्टर, जब
कब वो विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हुआ, कंपनी है वो कब विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हुई वो दिखाना है, एंड डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट्स, अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट्स, अमाउंट और नेचर ऑफ डिफॉल्ट्स है वो डिस्क्लोज करना रहेगा. विलफुल डिफॉल्टर हियर मींस अ पर्सन और एन इश्यूअर हु और व्हिच इज कैटेगराइज्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड अंडर द एक्ट और कंसोर्टियम thereof इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑन विलफुल डिफॉल्टर्स इश्यूड बाय द आरबीआई. किसी बैंक ने, कंसोर्टियम मतलब एक से ज्यादा बैंक एक साथ मिलकर किसी को लोन देती है तो वो कंसोर्टियम कहलाया जाएगा. तो वो जो भी बैंक वगैरह ने उनको विलफुल डिफॉल्टर जब भी डिक्लेयर किया एज पर उनकी जो गाइडलाइंस है आरबीआई की, उस हिसाब से उसे विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा. तो अगर कंपनी है वो विलफुल डिफॉल्टर है तो वो कब विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हुई और नेचर एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट्स वो मेंशन करना रहेगा. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा नहीं अब तक तो पूछ सकता है. देन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फेक्शन विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. Where any charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period, details and reasons thereof shall be disclosed. ROC को charges अगर register करवाने थे but वो register नहीं करवाए हैं तो उनके बारे में details देनी होगी. उनका जो statutory period है उनके अंदर अगर नहीं करवाया है तो ये disclose करना होगा. चलिए. Then utilization of borrowed funds and share premium है, ये हमने ऑलरेडी शेयर कैपिटल के साथ डिस्कस किया, वही चीज यहाँ पर दी गई है तो फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है और ये हमने चैप्टर 10 के साथ भी डिस्कस किया हुआ है. चलिए देन उसके बाद फिफ्थ जो नोट है 9.29 पर, जो फिफ्थ नोट है वो देखनी रहेगी. Where the company has not used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken at the balance date, the company shall disclose the details of where they have been used. अगर कंपनी ने जिस पर्पस के लिए बोरोविंग लिए है उस पर्पस के लिए वो यूटिलाइज नहीं किए है तो वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किए वो यहाँ पर डिस्क्लोज करना रहेगा. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है. ऊपर जो विलफुल डिफॉल्टर का देखा या फिर वो जो करंट एसेट के सामने बोरोविंग था या फिर आरओसी के सामने चार्जेस रजिस्टर करवाए या नहीं, वो सारी चीजें कारो 2020 में भी आएगी तो अच्छे से याद रखिएगा. देन ट्रेड रिसीवेबल्स है. ट्रेड रिसीवेबल्स as an essential part of any organization's balance sheet, often referred to as debtors. Typically, an invoice is raised and issued to the customer with the invoice amount being recorded as a debtor balance. Until the invoice is paid, the invoice amount is recorded in the organization's balance sheet as account receivable. Account receivable, trade receivable, debtor, right? Customer, वो सारी चीजें हमें पता ही है. If the balances are not recoverable later on, then this amount need to be written off as bad and charged in the statement of P&L. Bad debt हम करेंगे जब उनके पास से अमाउंट रिकवरेबल नहीं होगी तब. It is important to carry out test of controls for checking the effectiveness of internal control over sales as a part of debtors audit procedure. Following points need to be considered in respect of trade receivables. यहाँ पर internal controls के बारे में दिया गया है कि वो sales जब भी affect करेंगे तो internal controls देखने रहेंगे ताकि bad debt वगैरह के chances कम हो जाएं. Only bona fide sales lead to trade receivables. Then all such sales are made to approved customers. All such sales are properly recorded in the books of accounts. Once recorded, the debtors can be settled only by receipt of cash or on the authority of responsible official. ये काफी simple points है इसलिए मैं फटाफट read कर रहा हूँ. Segregation of duties at every point in sales transaction, accounting for debtors, collecting the payments, sending reminders, etc. एक ही person अगर सब कुछ पूरी sales process करेगा तो वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए segregation of duties होना चाहिए. Debtors are collected on a time. In case of debtors are not collected in time, sending reminders and taking legal actions if required. Balances are regularly reviewed. A proper system of follow-up exists and if necessary, adequate provisions for bad debts should be made by preparing adequate aging schedule of the debtors. Simple? चलिए, ये पूछने के chances थोड़े से कम है, but एक बार देख लीजिएगा. चलिए, अब audit procedure देखते हैं, important है. ट्रेड रिसीवेबल के हिसाब से ही ट्रेड पेएबल्स का भी आएगा तो इसमें ध्यान देंगे तो ट्रेड पेएबल फटाफट हो जाएगा. इवन लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो भी इसी के इसी लाइन में आगे रहेगा. चलिए, टू एस्टेब्लिश द एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एसेट द पीरियड एंड check whether there are controls in place to ensure that invoices cannot be recorded more than once and receivable balances are automatically recorded in the general ledger from the original invoice. हमें invoice booking जो है sales invoice booking है उसके controls देखने रहेंगे कि वो बराबर है या नहीं, क्योंकि sales से ही debtors affect होंगे, right? और एक ही invoice दो बार record नहीं हो रहा है ना, वो भी सारी चीजें हमें देखनी रहेगी.
ask for a period and accounts receivable aging report and trace the balances as per the report to the general ledger. Period end पर accounts receivable का aging लेना है, कितने time से किसके पास receivable है वो देखना है, ताकि पता चले कि कितना receivable वगैरह है. Check whether realization is recorded invoice wise or not. If not, check that money received from debtors is adjusted chronologically invoice wise and on FIFO basis. That is, previous bill is adjusted first. If realization is made on account, verify whether the company has obtained confirmations from debtors in respect of the same. पहले हमें ये देखना है कि जो भी डेटर्स के पास से पैसे मिल रहे हैं वो इनवॉइस वाइज हम रिसिप्ट ले रहे हैं, यानी कि ये इनवॉइस नंबर 303 है उनके सामने ये पैसा मिले है, इनवॉइस नंबर 405 के सामने ऐसा मिल रहा है. अगर वो पता चल रहा है तो उसी हिसाब से उन्होंने रिसिप्ट बुक की है या नहीं वो देखेंगे. अगर ऐसा नहीं कर रहे तो क्या वो फीफो बेसिस पर हो रहा है या नहीं, मतलब जो प्रीवियस पहला बिल है वो पहले क्लियर होना चाहिए, राइट. वो सारी चीजें हमें देखनी है, जिससे जो लास्ट में पेंडिंग बिल्स होंगे वो जो लेटेस्ट सेल्स वगैरह होंगे उन्हीं के रहेंगे. तो वो सारी चीजें देखनी है और कंफर्मेशन वगैरह भी हम लेंगे. इफ एनी लार्ज बैलेंस इज ड्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑडिटर शुड आस्क फॉर रीजंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर द सेम. अगर बहुत ही बड़ी अमाउंट काफी लंबे टाइम से रिसीवेबल है तो उसके बारे में हमें रीजंस वगैरह पूछने रहेंगे. डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर एज पर SF505. A significant and important audit activity is to contact customer directly and ask them to confirm the amounts of unpaid accounts receivable as of the end of the reporting period under audit. This should necessarily be done for all significant account balances as at the period end, while certain random customers having smaller outstanding invoices should also be selected. हम invoices मतलब जो भी trade receivable है उनके पास से directly उनको पूछेंगे कि कितनी balances आपका आपको पेएबल है या फिर रिसीवेबल है, किस तरह से है, वो सारी चीजें हम पूछेंगे. वो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर रहेगी, राइट. तो वो जो मेजर कस्टमर्स है उनके पास से मंगवाएंगे, वो जनरली सैंपल बेसिस पर ही होगा. सभी कस्टमर्स को मंगवाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, राइट. जनरली वो लार्ज अमाउंट वाले रिसीवेबल होंगे उनके पास से मंगवाएंगे, थोड़े से स्मॉल अमाउंट वाले भी लेंगे ताकि पता चले उसमें कोई रिस्क वगैरह नहीं है. The auditor employs direct confirmation procedure with the consent of the entity under audit. उसके लिए हमें जिस भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उनकी हमें कंसेंट लेनी होगी बिना पूछे हम थर्ड पार्टी, क्योंकि ये वो हमसे हमें डायरेक्टली हम उनको जानते नहीं है, उसके लिए पहले कंसेंट लेनी होगी जिसका भी हम ऑडिट करते हैं उनका. देयर मे बी सिचुएशंस वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी रिक्वेस्ट द ऑडिटर नॉट टू सीक कंफर्मेशन फ्रॉम सर्टेन ट्रेड रिसीवेबल्स. हो सकता है कि कंपनी आपको रिक्वेस्ट करेगी कुछ कस्टमर्स के पास से आप कंफर्मेशन ना मंगवाए. इन सच केसेस The auditor should consider whether there are valid grounds for such a request. In appropriate cases, the auditor may also need to reconsider the nature, timing, and extent of his audit procedure, including the degree of planned reliance on management's representations. उसके लिए पहले तो ऑडिटर को देखना रहेगा कि क्या वो वैलिड रीजन है, यानी उनके पास जस्टिफाइबल है. हो सकता है कि उनके साथ उनके रिलेशन कंपनी के रिलेशन अच्छे ना हो, तो हो सकता है कि वहां से अच्छा जवाब ना मिले, राइट. उसलिए शायद कंपनी मना कर रही है, कोई भी लिटिगेशन में डिस्प्यूट वगैरह हो उस वजह से वो मना कर रही है और वो जस्टिफाइबल लग रहा है तो हम मान सकते हैं, पर उस केस में शायद हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करनी रहेगी. द ट्रेड रिसीवेबल मे बी रिक्वेस्टेड टू कंफर्म द बैलेंस इधर एज एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट और एज एट एनी अदर सिलेक्टेड डेट व्हिच इज रीजनेबली क्लोज टू द डेट ऑफ द बैलेंस शीट. द डेट शुड बी डिसाइडेड बाय द ऑडिटर इन कंसल्टेशन विद द कंपनी. जनरली वो 31 मार्च के लिए करवाएंगे, बाकी कोई और दिन के लिए भी हो सकता है. The form of requesting confirmation from the trade receivable may either the form with balance outstanding amount as per the company, wherein the trade receivable is requested to respond whether or not he is in agreement with the balance. So, एक तरीका ये हो सकता है कि जो कंपनी के बैलेंस शीट में है वो अमाउंट हम जो भी थर्ड पार्टी या ट्रेड रिसीवेबल है उनको भेजेंगे कि भाई आप इनसे एग्री करते हैं या नहीं. Or other, the form without any balance mentioned therein, wherein the trade receivable is requested to respond with the balance outstanding as per his records. The use of the form without any balance is preferable. उसमें हम कुछ भी amount नहीं लिख के भेजेंगे, आप trade receivable को बोलेंगे कि भाई आपके हिसाब से आपकी books के हिसाब से कितना payable है, right? तो उसको हम देखेंगे कि क्या वो मैच हो रहा है या नहीं जिस भी क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उनके बुक्स के साथ, राइट. वो ज्यादा प्रेफरेबल हो क्योंकि उसमें कुछ गलत होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे. द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल टू बी सर्कुलेटेड शुड नॉट बी रिवील्ड टू द कंपनी अंटिल द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स लेजर इज हैंडेड ओवर टू द ऑडिटर. किस ट्रेड रिसीवेबल को हम भेजने वाले हैं कंफर्मेशन वो हमें कंपनी या फिर ऑडिट टी जो भी है मैनेजमेंट है उनको नहीं बताना है जब तक हमें फाइनल ट्रायल बैलेंस ना मिल जाए.
A list of traceable selected for confirmation should be given to the entity for preparing request letter for confirmation which should be properly addressed. जिस भी traceable को हम sample select करते हैं वो हम management को देंगे ताकि confirmation letter बना सकें. The auditor should maintain strict control to ensure the correctness and proper dispatch of the request letters. वो physical के लिए है but अब तो generally mail वगैरह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं. It should be ensured that confirmation as well as any undelivered letters are returned to the auditor and not to the client. Any discrepancies revealed by the confirmation received or by the additional test carried out by the auditor may have bearing on other accounts not included in original sample. The company should be asked to investigate and reconcile the discrepancies if any. Koi bhi discrepancy mil rahi hai to wo dusre accounts mein bhi ho sakta hai aur wo reconciliation wagera hume lene rahenge. Where no reply is received, the auditor should perform alternate procedure regarding the balances. This could include agreeing the balances to cash received subsequently. अगर हमें किसी के पास से reply नहीं मिल रहा है तो हम alternative audit procedure कर सकते हैं जिसमें हम subsequent receipt देखेंगे कि subsequently after the year end जब भी हम audit कर रहे हैं तब क्या उस party के पास से receive हुआ है या नहीं ताकि पता चले कि हाँ वो trade receivable है उनके साथ transactions हो रहे हैं वो जो balance थी 31st March को वो सही है वो पता चलेगा. और preparing a detailed analysis of balance ensuring it consists of identifiable transactions and confirming that this revenue transaction actually occurred. For example, examination in depth of those balances. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं उन balances के लिए in detail, in depth हम analysis checking वगैरह कर सकते हैं. वो जो balance आई है वो किस तरह से आई है. उसके लिए हम sales invoice check कर सकते हैं, receipt check कर सकते हैं. वो सारी चीजें cover up होगी. If there are any related party receivables, review them for collectability as well as whether they were properly authorized and the value of such transaction were reasonable and at arm's length. अगर related party receivables हैं, तो हमें ये check करना है कि उनके पास से collection मिल पाएगा या नहीं, right? वो properly authorized transaction है या नहीं, वो सारी चीजें देखेंगे और वो arm's length price पर है या नहीं, वो भी हमें देखना रहेगा. Check that the receivable for other than sales or services are not included in the list. रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल कौन होने चाहिए जिसको हम जो भी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर सर्विसेज दे रहे हैं वही ट्रेड रिसीवेबल में होंगे बाकी ट्रेड रिसीवेबल में नहीं होंगे. रिव्यू ट्रेंड लाइन ऑफ सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल और अ कंपैरिजन ऑफ द टू ओवर टाइम टू चेक इफ देयर आर एनी अनयूजुअल ट्रेंड्स दैट इज परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स दिस विल एनेबल द ऑडिटर टू चेक द रीजनेबलनेस ऑफ बैलेंसेस ऑल्सो मेजर द एवरेज कलेक्शन पीरियड मेक इंक्वायरीज अबाउट रीजंस फॉर चेंजेस इन ट्रेंड विद द मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट द सेम इन ऑडिट वर्क पेपर्स. ऑडिटर को ट्रेंड लाइन चेक करनी होगी सेल्स की ट्रेंड लाइन है वो मैच हो रही है या नहीं प्रीवियस ईयर वगैरह के साथ देखेंगे ताकि डेटर्स का भी हमें पता चले वो डेटर्स है या बराबर है या नहीं तो हम उसमें भी एनालिटिकल प्रोसीजर वगैरह कर सकते हैं. अगर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी वगैरह भी करेंगे राइट. तो ये एग्जिस्टेंस रिलेटेड था. अब आगे बढ़ते हैं. All trade receivables balances that were supposed to be recorded have been recognized in the financial statement completeness. The auditor needs to satisfy himself the cutoffs. Without a cutoff, shells could be understated or overstated. Hence, there is a need to perform the following cutoff procedure. For the invoices issued during the last few days, last 5 days of the reporting year, that is cutoff date, and which have been included in the datas, check that the goods should have been dispatched and not lying with the company. हमें कट ऑफ प्रोसीजर करनी है कि जो भी लास्ट 5-6 दिन है लास्ट वीक है उसका हम चेक करेंगे ट्रांजैक्शंस की क्या वो सारे रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो सारे ही हो गए हैं या नहीं. एक्चुअल में जितने भी डिस्पैच हुए हैं उनके लिए सेल्स इनवॉइस बन गया है या नहीं वो हमें चेक करना होगा. एंश्योर दैट ऑल गुड्स डिस्पैच्ड प्रायर टू द पीरियड और ईयर एंड हैव बीन इनवॉइस्ड एंड इंक्लूडेड इन द डेटास ऑन अ टेस्ट चेक बेसिस. सिंपल. Ensure that no goods dispatched after the year end have been invoiced and included in the datas for the period under audit. ऐसा नहीं है ना कि जो next year में dispatch हुए हैं goods उसका sales इस साल में दिखाया है क्योंकि उनके targets को achieve करने के लिए ये सारी चीजें हो सकती हैं. तो ये देखना रहेगा. Test invoice listed in receivable report. Select few invoices from the accounts receivable aging report and compare them to the supporting documentation to see if they were billed with the correct amounts to the correct customers and on the correct dates. ट्रेड रिसीवेबल रिपोर्ट में से हम देख सकते हैं कुछ इनवॉइसेस को अगर हमें चेक करना है तो बाकी हम सेल्स चेक करेंगे तो उसमें इनवॉइसेस चेक हो जाएंगे उसमें डेटास का जो रिकॉर्डिंग है बुकिंग है वो बराबर हुआ है या नहीं वो तो हम देख ही लेंगे. मैच इनवॉइसेस टू शिपिंग और डिस्पैच लॉग. मैच इनवॉइसेस
debts to the shipment debts for those items in the shipping or dispatch log to see if sales are being recorded in the correct accounting period. This can include an examination of invoices issued subsequent to the period being audited to see if they should have been included in the period under audit. शिपिंग या डिस्पैच लोग हैं उनको देखना है कि उनके हिसाब से जो इस साल में डिस्पैच हुए हैं राइट वो सभी के लिए इनवॉइस बन गए हैं या नहीं, वो सारी चीजें हमें देखनी है। और जो सब्सिक्वेंटली ऐसा कुछ चीज नहीं हुए ना, गलत नहीं हुआ है, इस साल का इस साल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए और नेक्स्ट ईयर का कोई भी डिस्पैच वगैरह है वो इस साल में नहीं होना चाहिए राइट, वो सारी चीजें हमें देखनी होगी। असेस बिल एंड होल्ड सेल्स। If there is a situation where the company is billing customers for sales despite still retaining the goods on site, known as bill and hold, examine supporting documentation to determine whether the sales has actually taken place or not. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिल बना दिया है बट अभी तक गुड्स है वो सेंड नहीं किया है, वो भी साइट पर ही पड़ा है, तो अगर वो सारी ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए हमें सपोर्टिंग्स वगैरह देखने रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और एक्चुअल में सेल्स हुआ है या नहीं राइट, क्योंकि तभी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकेंगे अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास ऑन हुए हैं तो राइट, क्योंकि S9 की रिक्वायरमेंट भी हमें देखनी रहेगी। रिव्यू द रिसीविंग लॉग टू सी इफ द कंपनी हैज रिकॉर्डेड ऑन इनऑर्डिनेटली लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर रिटर्न्स आफ्टर द ऑडिट पीरियड व्हिच वुड सजेस्ट दैट द कंपनी मे हैव शिप्ड मोर गुड्स नियर द एंड ऑफ द ऑडिट पीरियड देन व्हाट द कस्टमर्स हैड ऑथराइज्ड टू इन्फ्लेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। हो सकता है कि सब्सिक्वेंटली बहुत सारा सेल्स रिटर्न हुआ है राइट, ऐसी चीज होगी, ऐसा क्यों होगा, इस साल का सेल्स है वो बड़ा ना है इसलिए ज्यादा सेल कर दिया फिर वो रिटर्न कर दिया, तो प्रॉफिट को बढ़ाने या फिर सेल्स का टारगेट अचीव करने के लिए ऐसी कुछ चीज हो सकती है जो गलत है, मतलब इन्फ्लेशन ऑफ सेल्स हो गया राइट, तो वो गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सब्सिक्वेंटली बहुत ज्यादा सेल्स रिटर्न दिख रहा है तो वो क्यों हुआ है वो हमें इन्वेस्टिगेट करना रहेगा। Review the process of giving discounts or incentives and check whether the same were given as per the company's policy or general industry trend. Discounts या incentive वगैरह अगर दे रहे हैं तो वो policy और industry trend के हिसाब से है या नहीं वो देखेंगे। Review credit memos on a sample basis issued during the audit period to see if they were properly authorized and whether they were issued in the correct period. Also review credit memos issued after the period end to see if they relate to transaction belonging to the period under audit. Where any deduction has been made against a bill, check the reasons and correspondence for the same. Credit memo है वो कोई भी reason से deduction वगैरह हुआ होगा, repayment कम करना होगा, उस तरह का कुछ चीज हो सकती है, तो वो credit memos वगैरह issue किया है तो वो सारी चीजें भी देखनी होगी। चलिए, then trade receivable balance have been valued appropriately. Review the process followed by the company to derive an allowance for doubtful accounts. This will include a consistency comparison with the method used in the last year and a determination of whether the method is appropriate for the underlying business environment. जो भी कंपनी ने प्रोसेस फॉलो की है बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए, मतलब डाउटफुल अलाउंसेस के लिए प्रोविजन जो भी किया है बैड डेट का, तो वो बराबर है या नहीं, वो प्रीवियस ईयर में जो मेथड की थी उसी हिसाब से करते हैं या नहीं वो देखना रहेगा। कई बार हो सकता है कि जो डेटर्स है वो आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन वन ईयर है, उनके लिए डेटर्स के लिए बैड डेट का प्रोविजन कर सकते हैं, या फिर उनके कोई और पॉलिसी हो सकती है मोर देन थ्री ईयर्स हो सकता है, तो वो सारी चीजें वो रीजनेबल है या नहीं और वो प्रीवियस ईयर में जो हो रही थी वही फॉलो हो रही है या नहीं वो देखेंगे। ऑब्टेन एजिंग रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस स्प्लिट बिटवीन नॉट करंटली ड्यू 30 डेज ओल्ड 30 to 60 60 to 180 180 to 365 और मोर देन 365। इसमें भी हम एजिंग रिपोर्ट लेंगे कितने टाइम से रिसीवेबल है और कितने रिसीवेबल अभी तक नहीं हुआ है ड्यू नहीं हुआ है राइट, ताकि पता चले एजिंग वगैरह पता चलेगा तो किसके लिए हमें बैड डेट प्रोविजन करना है वो भी पता चलेगा। Also obtain list of debtors under litigation and compare with previous year. Litigation में कितने हैं और उसे previous year के साथ compare करेंगे. Scrutinize the analysis and identify those debtors which appear doubtful. Discuss with management about reasons as to why these debtors are not included in the provision for bad debts. Perform further testing where any dispute exists. जो भी debtors हैं उनको हमें analyze करना है. लग रहा है कि ये डाउटफुल होंगे बट उन्होंने डाउटफुल डेट्स के प्रोविजन में उन्हें कंसिडर नहीं किया है तो वो क्यों नहीं किया है वो सारी चीजें हमें समझनी रहेगी राइट, और कोई भी अलग से प्रोसीजर करनी रहेगी, टेस्टिंग वगैरह करने की जरूरत लग रही है तो वो भी देखेंगे जहां पर डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं उसके लिए। ही शुड चेक इफ प्रोविजन आर मेड एट अप्रोप्रिएट रेट्स कंसिडरिंग द रिकवरेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स ड्यू। सिंपल।
prepare schedule of movements of bad debt provision account and debts written off and compare the proportion of bad debt expense to sales for the current year in comparison to prior years to see if the current expense appears reasonable. बैड डेप वगैरह का जो एक्सपेंस है वो राइट ऑफ किया हुआ है वो एक्सपेंस की रीजनेबिलिटी चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे और बराबर है या नहीं वो देखेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे. चेक राइट ऑफ ऑफ द रिसीवेबल बैलेंसेस हैव बीन अप्रूव्ड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ अ कंपनी. राइट, तो ये वैल्यूएशन के लिए था कि बैड डेप का जो प्रोविजन कर रहे हैं वो बराबर है या नहीं, उसके लिए हम एजिंग रिपोर्ट देखेंगे, मेथड है वो बराबर है या नहीं वो चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं या फिर लिटिगेशन वगैरह है तो वो सारे डेटर्स को कंसिडर करेंगे, हम डेटर्स का स्क्रूटिनाइज करेंगे कि कौन से डेटर्स हमारे हिसाब से उनके लिए प्रोविजन बनना चाहिए और उसमें से कितनों के लिए मैनेजमेंट ने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया है, नहीं बनाया है तो हम इंक्वायर करेंगे, उसमें रेट्स वगैरह लिए हैं वो भी बराबर है यानी वो सारी चीजें करेंगे देखेंगे. इवन हम कंपैरिजन करेंगे विद प्रीवियस ईयर कि जो बैड डेट का जो प्रोविजन था वो प्रीवियस ईयर में कितना था, इस साल कितना है, वो कंपेयर वगैरह भी करेंगे. राइट, तो इस तरह से हमारी प्रोसीजर रहेगी फॉर वैल्यूएशन. अब डिस्क्लोजर है, चेक दैट रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड रिसीवेबल हैज बीन डन प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद एस 11. Then proper disclosure of related party transactions regarding receivable have been made as per AS 18 and Ind AS 24. Related party के साथ related party है trade receivable, तो उनका disclosure as per AS 18 और Ind AS 24 हुआ या नहीं वो देखेंगे. Ensure that the transaction with parties covered under section 189 of the Companies Act 13 are reported properly in CARO 2020. चलिए फिर additional requirement है trade receivable का aging schedule देना है as per schedule 3. ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट से कंपलसरी है ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल, उसमें पर्टिकुलर्स ये एएस के हिसाब से है तो उसमें अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड एंड डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड डाउटफुल. राइट, ये चार कैटेगरी में हमें ट्रेड रिसीवेबल्स को बायफर्केट करना है, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड और डाउटफुल, और डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल उसमें भी कंसीडर्ड गुड और डाउटफुल, और उसका जो एजिंग है मतलब कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग है उसमें लेस देन 6 मंथ्स, 6 to 1 year, 6 months टू 1 year, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3 years एंड टोटल, ये टोटल जो होगा वो बैलेंस शीट के साथ मैच होना चाहिए. राइट, चलिए. Similar information shall be given where no due date of payment is specified. In that case, disclosure shall be from the date of transaction. जहां पर due date अलग से नहीं दी है वहां पर हमारी जो transaction date है वही due date बन जाएगी और उसके लिए भी हमें aging देना रहेगा. Unbilled dues shall be disclosed separately. अगर कोई भी unbilled due है, अभी तक bill नहीं बना है उसके लिए, तो वो unbilled dues है वो separately disclose करेंगे. Trade receivables shall be classified as secured or secured considered good, unsecured considered good and doubtful. राइट, ट्रेड रिसीवेबल का इस तरह से बायफर्केशन होगा इन द नोट्स, सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड एंड डाउटफुल. अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शैल बी डिस्क्लोज्ड अंडर द रिलेवेंट हेड्स सेपरेटली. अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स प्रोविजन उनका जो भी है वो हमें जो सेपरेटली डिस्क्लोज मतलब सेपरेटली सॉरी सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड और डाउटफुल में अलग अलग दिखाना रहेगा. Debts due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person or a firms or a private companies respectively in which any director or director is a partner or a director or a member should be separately stated. Agar debts hai wo directors ya fir officers of the company se receivable hai ya fir unki koi firm ya company se receivable hai to usse separately disclose karna hoga. Ye important hai, ye aapko correct incorrect MCQ mein bhi pooch sakta hai. राइट, तो ये था ट्रेड रिसीवेबल के लिए हमारा ऑडिट किस तरह से करेंगे. राइट, होप यू आर क्लियर विथ इट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमने कैश इक्विवेलेंट वगैरह वो सारी चीजें देख ली, इन्वेंटरी और पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स हमने देख लिया. उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 9.62, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज. Liabilities in addition to borrowings, जो हमने discuss किया आगे, include trade payables and other current liabilities, deferred payment credits and provisions. Borrowings के अलावा भी trade payables और कुछ और current liabilities या provisions हो सकते हैं liabilities में. A liability is considered to be current if it is due to be paid within 12 months and held primarily for the purpose of being traded in the entity's normal operating
साइकिल, उसे करंट लायबिलिटी कब कहेंगे, जब वो विदिन 12 मंथ्स पेएबल हो या फिर उनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है राइट उसके अंदर पेएबल होती है तब उसे करंट लायबिलिटी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म डेट डिविडेंड्स एटसेट्रा. वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज इज एज इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ असेट्स कंसीडरिंग इफ एनी लायबिलिटीज ओमिटेड एंड स्टेटेड ओवरस्टेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. चलिए उसके ऑडिट प्रोसीजर देखते हैं. सबसे पहले टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेड पेएबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज एज एट द पीरियड एंड. एग्जिस्टेंस उनका चेक करना है कि वो एक्चुअल में ट्रेड पेएबल या करंट लायबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं. चेक वेदर देयर आर कंट्रोल्स इन प्लेस टू एंश्योर दैट एनी परचेस और एक्सपेंस इनवॉइस डज नॉट गेट रिकॉर्डेड मोर देन वंस एंड पेएबल बैलेंस इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस. हमें यह देखना है कि कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी परचेस है वो दो बार रिकॉर्ड नहीं हुआ है राइट. कुछ भी छूटना भी नहीं चाहिए और कोई चीज दो बार भी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए और वो जनरल लेजर में भी वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. वो देखेंगे हम ऑटोमेटिकली अगर परचेस वगैरह हो रहा है तो कोई और सिस्टम में परचेस ऑर्डर वगैरह बना तो उसी के साथ इनवॉइस भी वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. ऑब्टेन अकाउंट्स पेएबल एजिंग रिपोर्ट एंड ट्रेस इट्स बैलेंसेस टू द जनरल लेजर इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस इन्वेस्टिगेट रिकंसाइलिंग आइटम्स. जर्नल एंट्रीज स्पेशली फॉर लार्ज अमाउंट्स शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड राइट. हमें एजिंग रिपोर्ट निकालना है ट्रेड पेएबल का कि कितने टाइम से हमें पेएबल है राइट. उससे पता चलेगा कितने टाइम से पेएबल है तो उसमें हमें ध्यान रख सकते हैं, उसमें हम चेक कर सकते हैं उनकी जर्नल एंट्रीज वगैरह चेक कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे. ये चीजें ट्रेड रिसीवेबल में भी जो हमने पढ़ी थी वही पॉइंट्स यहाँ पर भी है. फिर ये डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर सेम एज ट्रेड रिसीवेबल है तो वो आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा. पूरा ही वो सारी चीजें वहां पर दी गई है. यहां पर जो पेज नंबर 9.65 पर है ये जो अल्टरनेट प्रोसीजर जो दी गई है उसके जो दो पॉइंट्स है यहां से हम देखते हैं. एग्रीइंग द डिटेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव बैलेंसेस टू द अंडरलाइंग वेंडर इनवॉइसेस राइट. हम अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स देखेंगे वेंडर्स के, जो परचेस के इनवॉइस है, एक्सपेंस के इनवॉइस है, वो सारी चीजें देखेंगे तो उससे भी हमें पता चलेगा जब हमारे पास बैलेंस कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उनका रिप्लाई नहीं आएगा तब. प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बैलेंस एंश्योरिंग इट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइबल ट्रांजेक्शंस एंड कंफर्मिंग दैट दिस परचेस और एक्सपेंस ट्रांजेक्शन एक्चुअली अकर्ड एग्जामिनेशन इन डेप्थ. वो हमने वैसे ट्रेड रिसीवेबल में भी देखा ही था कि अल्टरनेट प्रोसीजर जब हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं मिलेगा तब हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे जिसमें हम सब्सिक्वेंट रिसिप्ट देखेंगे, यहाँ पर सब्सिक्वेंट पेमेंट देखेंगे और दूसरी चीज इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे जो भी परचेस है, जो भी एक्सपेंस है, उनका वाउचर, उनके अदर प्रोसीजर के पॉइंट, वो सारी चीजें फुलफिल हो रही है, कंप्लाई हो रही है या नहीं वो हम देखेंगे. फिर ये रिलेटेड पार्टी का भी है, फटाफट देख लेते हैं. इफ देयर आर एनी रिलेटेड पार्टी पेएबल्स रिव्यू वेदर दे वर प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन वर रीजनेबल एंड एट आर्म्स लेंथ. अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो आर्म्स लेंथ पर है या नहीं, वो टर्म्स कंडीशंस नॉर्मल है बराबर है या नहीं वो चेक करेंगे क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क सबसे ज्यादा रहेगा. रिव्यू अ ट्रेंड लाइन ऑफ परचेस और एक्सपेंसेस एंड अकाउंट्स पेएबल और कंपैरिजन ऑफ द टू ओवर टाइम टू सी इफ देयर आर एनी अनयूजुअल ट्रेंड्स मेक इंक्वायरीज अबाउट रीजंस फॉर चेंजेस इन ट्रेंड फ्रॉम द मैनेजमेंट. हम ट्रेंड देखेंगे परचेज या फिर एक्सपेंस का, वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है या नहीं और अगर उसमें वेरियंसेस आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं वो हम मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे. ट्रेड पेएबल्स लायबिलिटी बैलेंस दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज कंप्लीटनेस. ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग कट ऑफ प्रोसीजर. ये भी ट्रेड रिसीवेबल में था, उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल का ऑडिट प्रोसीजर काफी सिमिलर है तो उनके ट्रेड रिसीवेबल के तुरंत बाद आपको ट्रेड पेएबल पढ़ लेना चाहिए तो आप कोरिलेट कर पाएंगे और इजिली आपको याद रह जाएगा. फॉर द लास्ट फाइव invoices received or recorded at the end of the reporting period, cut-off date, and which have been included in the trade payables, the goods should have been received or risk and rewards of ownership in goods should have been transferred in favor of the entity. जो भी purchase के या expense के invoices हमें मिले हैं, right? जो भी client को मिले हैं, वो last 5-6 invoices हो सकते हैं, last 5-6 दिन के invoices हम देख सकते हैं, या फिर last week के invoices, मतलब year end के आसपास के थोड़े से invoices देखेंगे ताकि पता चले कि जो ईयर का ट्रांजेक्शन है वो उसी ईयर में रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं, और अगर वो परचेस है तो वो गुड्स मिल गए हैं या नहीं, या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें पास ऑन हो गया है या नहीं वो हम देखेंगे. ऑल गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू द पीरियड ईयर एंड शुड हैव बीन बुक्ड इन द फॉर्म ऑफ परचेस एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड क्रेडिटर्स. सिंपल,
जो भी प्रायर पीरियड एंड के पहले मिल गए हैं वो सारे ही इसी ईयर में रिकॉर्ड हो जाने चाहिए. Then test purchases and expense on a sample basis, selecting the same from the accounts payable ledgers and checking their supporting documents to ensure that purchase have recorded at the correct amounts and correct dates. वैसे हम purchase देखेंगे तब ये सारी चीज देख ही लेंगे purchase invoice के साथ कि वो trade payable में creditor जो है उसमें बराबर record हुआ है या नहीं. बट अगर हमें लग रहा है कि ट्रेड पेबल का जो हमें लेजर है वहां से हमें देखना है कि थोड़ा सा purchase देख लेते हैं कि वो सब कुछ बराबर record होता है या नहीं, तो उस तरह से भी देख सकते हैं. Match purchase invoice dates to get entry. Invert dates to check whether the purchases are being recorded in the correct accounting period. This can include an examination of purchase or expense invoice received subsequent to period being audited to see if they should have been included in the period under audit. जो भी परचेस हो रहा है तो गेट एंट्री रजिस्टर हम देखेंगे उसमें कितना इन्वर्ट हुआ है, सिक्योरिटी वाले पर्सन ने कितना इन्वर्ट लिखा है, वो डेट के साथ हम मैच करेंगे जब परचेस इनवॉइस बुक हो रहा है तो, ताकि पता चले कि जिस पीरियड में वो रिसीव हुआ है उसी पीरियड में वो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं. रिव्यू सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर्स. रिव्यू ऑल मटेरियल एक्सपेंस वाउचर्स रिकॉर्डेड पोस्ट द बैलेंसिंग डेट टू सी इफ दे रिलेट टू ट्रांजैक्शन फ्रॉम विद इन द ऑडिट पीरियड. हमें जो ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट ईयर है उसके कुछ ट्रांजेक्शन देखने रहेंगे ताकि पता चले कि वो फॉलोइंग ईयर का ही है. ऐसा नहीं है ना कि जिस पीरियड का हम ऑडिट कर रहे हैं उसके ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हुआ है, राइट वो हमें ध्यान में रखना है. फॉर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस ऑब्टेन द कस्टमर वाइज लिस्टिंग अलॉन्ग विथ इट्स एजिंग इन द एजिंग एंड नेचर. वेरीफाई इफ एनी एडवांसेस आर आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड सिक्स मंथ्स. इंक्वायर फ्रॉम द एंटिटीज मैनेजमेंट इफ देयर हैज बीन एनी डिस्प्यूट विद द कस्टमर एंड इफ देयर इज एनी एडिशनल लायबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड. फॉर ऑल सच एडवांसेस द ऑडिटर शुड वेरीफाई द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड ऑन विच द एंटिटी हैज रिसीव्ड द एडवांस. कस्टमर के पास से अगर एडवांस मिला हुआ है राइट तो वो एंटिटी के लिए क्या होगा, लायबिलिटी बन जाएगा राइट. तो वो जो भी एडवांस मिला है उसके सपोर्टिंग्स देखेंगे, उनका एजिंग वगैरह देखेंगे, कितने टाइम से वो रिसीव हो गया है वो सारी चीजें हमें पता चलेगी, उससे हम एनालाइज करेंगे उसमें कुछ भी गलत नहीं है ना वो हमें चेक करना रहेगा. इन रिलेशन टू स्टैट्यूटरी ड्यूज लायबिलिटीज लाइक विथहोल्डिंग टैक्स TDS payable, GST payable, luxury tax payable, professional tax payable, PF and ESIC payable, etc. Prepare a response reasonability with respect to sales, purchase, employee benefit expenses. ये जो सारे taxes pay करने हैं जो 31st March को payable हो सकते हैं तो उन वो बराबर है या नहीं उसके लिए हम reasonability test कर सकते हैं, analytical procedure कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी है तो जीएसटी है वो बेस्ड ऑन सेल्स होगा, तो सेल्स कितना हुआ है उस हिसाब से जीएसटी की liability कितनी बनती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. उसमें सिर्फ सेल्स पर हमें परसेंटेज ऑफ रेट जो भी है रेट ऑफ जीएसटी है वो हम करेंगे राइट, कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीएसटी की अमाउंट मिल जाएगी, तो वो रीजनेबल है या नहीं वो हम देख पाएंगे. ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएफ ईएसआईसी के लिए हो सकता है, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह के लिए हो सकता है, तो वो सारी चीज हम करेंगे ताकि पता चले वो लायबिलिटी बुक हुई है वो बराबर है या नहीं. For example, GST liability for last month may be calculated by applying the applicable rate to the sales made. In case of any variance with the GST liability recorded by the entity, reasons for variance should be requested from client and in case found satisfactory, the same should be maintained as part of audit documentation. Simple. चलिए अगर कोई भी वेरियंस में लगे तो हम उसे डॉक्यूमेंट करेंगे, उसके reasons भी हमें पूछने रहेंगे, अगर वो रीजनेबल लगेंगे तो ठीक है, बाकी हमारा मॉडिफिकेशन अगर लगेगा तो वो भी कर सके. Similarly, PF liability for last month may be calculated by applying the applicable rate to the employee benefit expense. And in case of any variance with the liability recorded by the entity, reasons for variance should be requested from client. And in case of found satisfactory, the same should be maintained as part of audit documentation. सिंपल. ये पीएफ के लिए भी कर सकेंगे क्योंकि पीएफ है वो भी बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस के कुछ परसेंटेज रहते हैं, तो वो परसेंटेज ही सिर्फ हमें अप्लाई करना रहता है. यहाँ पर लास्ट मंथ का दिया है वो हम पूरे साल के लिए भी कर सकते हैं राइट, वो डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, अब एक्सेल वगैरह में तुरंत ही हो जाता है वो. Further, the auditor should obtain and verify the challans for deposit made subsequent to the period end for all statutory liabilities as at the balance date and also analyze the reasons, if any, in consultation with the management for any variance between the amounts deposited subsequently vis-a-vis the liability recorded in the books of account.
जो लायबिलिटी 31 मार्च को रिकॉर्ड की हुई है वो लायबिलिटी उन्होंने सब्सिक्वेंटली पे की होगी, दैट इज इन अप्रैल मई मंथ में पे की होगी। तो उसके चलान से हम देखेंगे कि वो जो भी लायबिलिटीज है वो सब्सिक्वेंटली पेमेंट हो गई है या नहीं, वो हमें चेक करना रहेगा। और अगर उसमें डिले है या फिर नहीं पे किया है तो वो क्यों नहीं किया है, वो सारे रीजन हमें जानने रहेंगे। He shall prepare a complete list of all statutory dues and consider his reporting requirements under CARO 2020. CARO 2020 में closest statutory dues के payment के regarding, तो उसे हम consider करेंगे। उसके लिए भी हमें ध्यान में रखना है कि statutory dues pay हो गए हैं या नहीं, right? वो हम CARO 2020 का जो next revision video रहेगा उसमें ये सारी चीजें discuss करेंगे। Trade payables and other liability balances have been valued appropriately, उनका वैल्यूएशन देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या, उस assertion के लिए हमें क्या क्या audit procedure करनी रहेगी। Review the process followed by the company to identify if any old creditor balance or liability needs to be returned back. अगर बहुत पुरानी कोई भी liability है तो क्या उसे return back करने की जरूरत है, अगर हाँ तो उसे write back कर देंगे। This will include a consistency comparison with the method used in the last year and a determination of whether the method is appropriate for the underlying business environment. और वो जो उनकी भी मेथड है वो देखेंगे कि वो बराबर है या नहीं, वो उनके बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से बराबर है या नहीं, वो हमें चेक करना है, राइट? और वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं वो हम देखेंगे। ऑब्टेन द एजिंग ऑफ पेएबल बैलेंसेस स्प्लिट बिटवीन करंट less than 30 days, 30 to 60, 60 to 180, 180 to 365 and more than 365 days. इनका भी हम aging लेंगे ताकि पता चले कितने time से कौन सा payable है। वो आगे screenshot दिया है but वो काम का नहीं है। Also obtain the list of vendors with whom the company has disputes and any claims from customers under litigation and compare with previous year. अगर किसी वेंडर या फिर किस कस्टमर का जो एडवांस मिला है उनके साथ कोई भी लिटिगेशन डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं तो उनके लिए भी हमें देखना रहेगा और वो प्रीवियस ईयर के साथ हम कंपेयर करेंगे। चेक द राइट बैक्स इन द लायबिलिटी बैलेंसेस असेस्ड एज नो लॉन्गर पेएबल हैव बीन अप्रूव्ड बाय एन अप्रोप्रिएट एंड ऑथोराइज्ड मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल सीईओ और एमडी। जो भी लायबिलिटीज है वो अब नो मोर पेएबल है तो उसके लिए अप्रूवल ली है या नहीं, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है सीईओ है एमडी है उनके पास से अप्रूवल मिली है या नहीं वो हम देखेंगे। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है पर ये काम का नहीं है। Then check that the restatement of foreign currency trade payables has been done properly in accordance with AS 11. अगर foreign currency में trade payable है तो उनका conversion है वो in Indian rupees वो बराबर हुआ है या नहीं। Understand management's process to identify the principal amount and the interest due thereon if any remaining unpaid to any MSME supplier at the end of accounting year. Test check the management process to assess if the auditor could rely on the management process. MSME में ऐसा है कि वो 60 डेज के अंदर पे हो जाने चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट पे करना रहता है तो वो जो चीज है उसे हमें कंसिडर करनी है। तो MSME जो पेएबल है उनको कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट पेएबल है वो अलग अलग देखना रहेगा। चलिए ये था वैल्यूएशन। देन डिस्क्लोजर whether company has classified payable as a trade payable if it is in respect of the amount due on account of goods sold or services rendered in the normal course of business. Trade payable कब हम किसी को कह पाएंगे, जब हमारे जो main operations से goods provide करना या फिर services render करना उसी के लिए normal business process का part है, उसी के लिए अगर हमने कोई भी purchase किया है या service ली है तभी उसे trade payable कह पाएंगे। whether the company has disclosed the following details relating to MSME in the notes, the principal amount and the interest due thereon to be shown separately, remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year. Principal और amount, principal और interest जो भी payable है to MSME वो अलग अलग दिखाएंगे हम। The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of MSME Development Act 2006 along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year. MSME का जो एक्ट है उसके हिसाब से अपॉइंटेड डे जो है उनके बियॉन्ड किसका पेमेंट हो रहा है वो चीज अलग से दिखाने रहेगी, उसका भी डिस्क्लोजर अलग रहेगा। बट ये प्रोविजंस आपको अलग से नहीं आते तो पूछने के चांसेस कम है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एंड पेएबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन मेकिंग पेमेंट व्हिच हैव बीन पेड बट बियॉन्ड द अपॉइंटेड डे ड्यूरिंग द ईयर बट विदाउट एडिंग द इंटरेस्ट स्पेसिफाइड अंडर MSME एक्ट 2006। अपॉइंटेड डे के बाद पे कर रहे हैं बट उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो उसे भी अलग से डिस्क्लोज करना होगा। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड एंड रिमेनिंग अनपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग
हियर अक्रू हो गया है इंटरेस्ट बट अभी तक पे ही नहीं किया है तो उसे भी अलग से दिखाएंगे. अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रिमेनिंग ड्यू एंड पेबल इवन इन द सक्सीडिंग ईयर्स अंटिल सच डेट व्हेन द इंटरेस्ट ड्यूज अबव आर एक्चुअली पेड टू द स्मॉल एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ डिसअलाउंस ऑफ अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006. उनको कुछ टाइम से पेमेंट नहीं किया है, इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं किया है सक्सीडिंग ईयर में भी, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, तो उसे भी अलग से दिखाना रहेगा. फिर यहाँ पर ट्रेड पेबल्स ड्यू फॉर पेमेंट है, उनका भी एजिंग है, एजिंग शेड्यूल है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना कंपलसरी है. ट्रेड रिसीवेबल में भी हमने देखा था, उसी तरह से यहाँ पर ट्रेड पेबल्स में भी है, बट दोनों के ही डिस्क्रिप्शन और जो पीरियड के लिए चाहिए वो थोड़ा सा अलग है. यहाँ पर जो भी ट्रेड पेबल्स है उनका जो पर्टिकुलर है उसमें किस तरह से डिवाइड करेंगे एमएसएमई और अदर्स, उसमें डिस्प्यूटेड ड्यूज विथ एमएसएमई एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज विथ अदर्स, मतलब पहले अनडिस्प्यूटेड एमएसएमई और अदर्स के कितने रहेंगे और डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई और अदर्स के कितने रहेंगे वो दिखाना रहेगा, राइट. और इसमें पीरियड लेस देन वन ईयर 1 to 2, 2 to 3 मोर देन 3 इयर्स एंड टोटल रहेगा, जबकि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर लेस देन 6 मंथ्स 6 मंथ्स टू 1 ईयर 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3 इयर्स था. यहाँ पर लेस देन 1 ईयर एक साथ दिखाना रहेगा, राइट. तो ये दोनों में डिफरेंस है और उनके पर्टिकुलर्स भी थोड़े से अलग थे. उसमें अनडिस्प्यूटेड कंसिडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड कंसिडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड कंसिडर्ड गुड एंड डिस्प्यूटेड कंसिडर्ड डाउटफुल, उस तरह से पर्टिकुलर्स में बायफर्केशन था. यहाँ पर एमएसएमई और अदर्स और उसमें डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड अलग अलग दिखाना रहेगा, राइट. और पीरियड लेस देन 1 ईयर 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3 इयर्स, और इसका जो टोटल है वो बैलेंस शीट के साथ मैच होना चाहिए. सिमिलर इन्फॉर्मेशन शैल बी गिवन वेयर नो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड इन दैट केस डिस्क्लोजर शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. अगर ड्यू डेट किसी में अलग से नहीं है तो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वहीं से हम कंसिडर करेंगे. अनबिल्ड ड्यूज शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, अनबिल्ड ड्यूज कोई भी है तो उसे अलग से दिखाएंगे. अदर करंट लायबिलिटीज, वेयर द अमाउंट डिस्क्लोज्ड अंडर अदर करंट लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज बिलो करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स. अक्रू हो गए हैं बट ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू है वो ड्यू डेट को होते हैं, वो जो फिक्स इंस्टॉलमेंट की डेट होती है तब वो ड्यू होते हैं, बट अक्रू तो एवरी डे होता है. इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग्स, अक्रू भी हो गए हैं और ड्यू भी हो गए तो वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन. एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए बट वो रिफंड करनी है और उनका इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है वो भी लायबिलिटी हो जाएगी. शेयर एप्लीकेशन मनी इंक्लूड्स एडवांस टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, द टर्म एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी इश्यूड, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इफ एनी एंड द पीरियड बिफोर विच शेयर्स शैल बी अलॉटेड शैल बी डिस्क्लोज्ड. इट शैल ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड वेदर द कंपनी हैज सफिशियंट ऑथोराइज्ड कैपिटल टू कवर द शेयर कैपिटल अमाउंट रिजल्टिंग फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आउट ऑफ सच शेयर्स एप्लीकेशन मनी. फर्दर द पीरियड फॉर विच द शेयर एप्लीकेशन मनी हैज बीन पेंडिंग बियॉन्ड द period for allotment as mentioned in the document inviting application for shares along with the reasons for such share application money being pending shall be disclosed. Share application money not exceeding the issued capital and to the extent not refundable shall be shown under the head equity and share application money to the extent refundable, that is an amount in excess of subscription or in case of requirements of minimum subscription are not met shall be separately shown under other current liabilities. कोई भी reasons से share application money refundable है तो उनके लिए ये सारी disclose करनी रहेगी, ये सारी details, but ये इतना important नहीं है. Unpaid matured deposits or debentures and interest accrued thereon, unpaid matured debentures and interest accrued thereon and others specify the nature, right. तो ये सारी liabilities disclose करनी रहेगी, right. Clear. चलिए आगे बढ़ते हैं. लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल के अलावा कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस हमने किसी को दिए हैं या फिर वेंडर्स को एडवांस दिए हुए हैं, एम्प्लॉयज को एडवांस दिए, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी, उसका ऑडिट कैसे करेंगे वो देखते हैं. लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूड लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कैपिटल एडवांसेस, अमाउंट रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड और फॉर वैल्यू टू बी रिसीव्ड, फॉर एग्जाम्पल रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पेड इन एडवांस और प्रीपेड. इंश्योरेंस वगैरह एडवांस में पे ही कर दिए है बट वो अभी तक पूरी अमाउंट, मतलब जितने भी पीरियड के लिए हमें वो इंश्योर्ड है वो अभी पीरियड बाकी है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो वो भी करंट असेट्स बन जाएगा.
अदर करंट एसेट्स प्राइमरीली इंक्लूड बैलेंसेस विद स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज एटसेट्रा। अगर कोई भी स्टैट्यूटरी या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास से कोई भी अमाउंट रिसीवेबल है तो वो भी पार्ट ऑफ करंट एसेट्स बन जाएगा। चलिए इसका ऑडिट देखते हैं। टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स एट द पीरियड एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग existence of loans and advances, direct confirmation procedure similar to those performed for accounts receivable balances are should be performed with the only difference that while performing circularization of direct confirmation in addition to the principal account interest receivable if any as per the agreed terms between the parties may also be included as part of the balance to be confirmed. Loans and advances ke liye bhi jis tarah se humne trade receivable ke liye direct confirmation procedure perform ki thi wahi direct confirmation procedure hume follow karni रहेगी। बट लोन्स एंड एडवांसेस में क्या फर्क होगा, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ शायद इंटरेस्ट अमाउंट जो अगर अग्री किया हुआ है तो वो भी इंक्लूड करना रहेगा, उसके लिए भी हमें कंफर्मेशन मंगवाना होगा, बाकी सिमिलर ही प्रोसीजर रहेगी। ये एग्जिस्टेंस के लिए था। लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स बैलेंसेस दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज कंप्लीटनेस। Obtain a list of all advances and other current assets and compare them with balances in the ledger. अलग से लिस्ट मंगवाएंगे और ledger के साथ मैच करेंगे completeness के लिए। Verify loans and loans, loan agreements and acknowledgements of parties in respect of outstanding loans. A loan or advances, if material, is granted only if authorized by the memorandum and articles of association in the case of company. जो भी loans and advances है वो MOA या फिर AOA के हिसाब से होना चाहिए, उसमें permit करना चाहिए। In addition, the auditor should confirm that the loan advanced were within the competence of persons who had advanced the same. Directors in the case of company, partners in the case of a firm, trustees in the case of a trust. जो भी loans and advances दिए हैं, वो जो जिसके पास competence है, उन्होंने ही दिए होने चाहिए. Directors in case of a company, partners, trustees, उस तरह से, right? Inspect the minutes of meetings of board of directors to confirm if all material loans and advances were approved by the board of directors. सिंपल मिनट्स में देखना है। वेरीफाई दैट द लोन हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द पार्टी एंड इन एडिशन इंस्पेक्ट इफ एनी सिक्योरिटी हैज बीन डिपॉजिटेड अगेंस्ट ड्यू रीपेमेंट ऑफ द लोन एसर्टेन इफ लोन्स आर बीइंग रिकवर्ड रेगुलरली एज पर एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स। जो भी लोन वगैरह है राइट उनका एक्नॉलेज लेना रहेगा, जो भी पार्टी है उनके पास से सिक्योरिटी वगैरह है तो वो सब कुछ देखना रहेगा कि वो बराबर है, यानी रीपेमेंट वो सारी चीजें किस तरह से उनका कोई भी एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना है तो वो हम देखेंगे राइट, और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वो रिकवर हो रहा है या नहीं वो भी हमें देखना रहेगा। If there are any related party loans and advances, review whether they were properly authorized and the value of such transactions were reasonable and at arm's length. अगर रिलेटेड पार्टीज को लोन्स वगैरह दी है तो वो आर्म्स लेंथ पर है या नहीं, वो सिक्योरिटी उनके उनके टर्म्स कंडीशंस और अप्रूवल है वो बराबर है या नहीं, अप्रूवल खास देखनी है। इन रिलेशन टू बैलेंसेस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक जीएसटी इनपुट क्रेडिट प्रिपेयर अ रीजनेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू परचेस और एक्सपेंस बाय अप्लाइंग द एप्लीकेबल रेट ऑफ द परचेस और एक्सपेंस एंड इन केस ऑफ एनी वेरियंस विद द असेट रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी रीजंस फॉर वेरियंस शुड बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द एंटिटी। जीएसटी रिसीवेबल है जो आईटीसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह जो होता है तो उसके लिए हम परचेस या फिर एक्सपेंस है उसमें रेट अप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना जीएसटी का रिसीवेबल होना चाहिए, वो असेट के साथ हम मैच करेंगे वो मैच हो रहा है या नहीं। फर्दर द ऑडिटर शुड ऑब्टेन स्टेचुटरी रिटर्न फाइल्ड विद अथॉरिटीज लाइक जीएसटी रिटर्न एंड वेरीफाई वेदर द अमाउंट रिकॉर्डेड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट टेलीज विद द क्लेम मेड विद द अथॉरिटीज। जीएसटी रिसीवेबल के लिए हम उनके रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं, रिटर्न्स में से भी ये सारी चीजें मिल जाएगी कितना आईटीसी रिसीवेबल है तो उसके साथ भी हम मैच करेंगे, अगर वो मैच हो रहा है तो इट्स फाइन राइट। देन लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली असेस द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू डिराइव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स दिस विल इंक्लूड अ कंसिस्टेंसी कंपैरिजन विद द मेथड यूज्ड इन द लास्ट ईयर एंड अ डिटरमिनेशन ऑफ वेदर द मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर द अंडरलाइंग बिजनेस एनवायरमेंट। हम अलाउंस देखेंगे डाउटफुल अकाउंट्स के लिए, बैड डेट बैड और डाउटफुल अकाउंट्स है उनका प्रोविजन है वो बराबर है या नहीं वो चेक करना होगा, जैसे ट्रेड रिसीवेबल में होगा उसी तरह से लोन्स एंड एडवांसेस में भी हो सकता है तो वो बराबर किया है या नहीं, उनके मेथड क्या थी और वो प्रीवियस ईयर के साथ भी चेक करेंगे उसी तरह से फॉलो हुआ है या नहीं।
obtain aging report of loans and advances split between not currently due 30 days old, 30 to 60, 60 to 180, 180 to 365, more than 365 days. यहाँ पर भी हम aging लेंगे, उस हिसाब से हमारा loans and advances के लिए कितना हमें allowance रखना चाहिए, provision करना चाहिए, वो भी पता चलेगा. Also obtain the list of loans and advances under litigation and compare with previous year. Simple. Scrutinize the analysis and identify those loans and advances that appear doubtful. Discuss with management about the reasons as to why these loans or advances are not included in the provision for doubtful balances. हमें scrutinize करना होगा, analyze करना होगा loans and advances को, और हमें अगर लग रहा है कि ये loans and advances doubtful है, तो हम management से पूछेंगे कि भाई इनके लिए क्यों allowance नहीं किया हुआ है, right? उनके reasons समझेंगे, और वो अगर reasonable लगेंगे तो it's fine, otherwise हम उनको बोल सकते हैं provision करने के लिए भी. Then assess bad loans or advances write-offs. Prepare schedule of movements on bad loans or advances. Provision accounts on loans and advances written off. Bad loans या advances है उनके लिए write-off किया है या उनका provision है, उसे हम accounts को check करेंगे. Check that write-offs or other reduction in the recoverable balances have been approved by the authorized and appropriate senior authority. जो भी राइट ऑफ है, प्रोविजन है, उनके लिए अप्रूवल मिला है या नहीं, वो हम चेक करेंगे. चेक दैट द रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स हैज बीन डन प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद S11. S11 के हिसाब से जो फॉरेन करेंसी के जो लोन्स एंड एडवांसेस है, उनका कन्वर्जन बराबर हुआ है या नहीं, वो देखेंगे. फिर डिस्क्लोजर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. Long term loans and advances shall be classified as capital advances, loans and advances related to, advances to related parties, giving details thereof, other loans and advances, specify the nature. The above shall also be separately subclassified as secured, considered good, unsecured, considered good and doubtful. ये हमने trade receivable में भी देखा था कि trade receivable को भी उन्हें secured, considered good, unsecured, considered good और doubtful में bifurcate करना रहेगा. तो यहाँ पर loans and advances में भी वही चीज रहेगी. Allowances for bad and doubtful loans and advances shall be disclosed under the relevant heads separately. Right? यहाँ पर भी provision जो होगा वो secured, unsecured और doubtful में bifurcate करके उनका provision अपना अपना record करना रहेगा. Loans and advances due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person or amounts due or by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should separately stated. अगर director या फिर उनके office, कोई भी officer है, उनके पास, उनको loans and advances दिया है, उनके पास receivable है, या फिर उनकी कोई firm या फिर company है, उनके पास receivable है, तो उन्हें separately disclose करना रहेगा. ये trade receivable में भी था. तो trade receivable और loans and advances के disclosure काफी similar है, तो वो आप एक साथ पढ़ सकते हैं, तो फटाफट आपको याद रह जाएगा. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, उसी तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होगा, तो उसमें क्लासिफिकेशन लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज और अदर्स रहेगा, क्योंकि इसमें कैपिटल एडवांसेस नहीं आएंगे, राइट? और फिर उनका सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, उनका भी अलाउंस अलग से करेंगे, और डायरेक्टर्स का जो है वो भी अलग से डिस्क्लोज करेंगे, राइट? चलिए, देन ये नोट्स में है, ये डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट रहेंगे. Following disclosures shall be made where loans or advances in the nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs and other related parties as defined under the Companies Act 2013, either severally or jointly with any other person that are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment. Agar koi bhi loans and advances diya hai, kisko? Promoters, directors, KMPs ya phir related parties ko. Aur wo without repayable... without specifying any terms of period of repayment है या फिर repayable on demand है, तब हमें ये जो table दिया है वो disclose करना पड़ेगा. उसमें types of borrower है, promoter, director, KMP और related parties bifurcate करेंगे. Amounts of loan or advances in the nature of loan outstanding, कितनी amount outstanding है for loans and advances और percentage to the total loans and advances in the nature of loans, और वो कितना percentage है, total loans and advances का कितना percentage इन लोगों को दिया हुआ है, वो सब कुछ disclose करना रहेगा. जब ये repayable on demand है या फिर without specifying terms of repayment है, right? तब ये चीज आएगी, तब ये डिस्क्लोजर आएगा. ये कारो 2020 में भी आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है. चलिए, देन हमारा लास्ट पार्ट है provisions and contingent liabilities. राइट, इसका ऑडिट कैसे करेंगे वो समझेंगे, और यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा.
प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल और कंस्ट्रक्टिव एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स. प्रोविजन कब करना होगा, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लीगल या फिर कंस्ट्रक्टिव जो भी है, और वो पास्ट इवेंट की वजह से ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. It is probable that an outflow of resource embodying economic benefits will be required to settle the obligation. उससे हमें economically ही outflow होगा, हमारा economical resources का outflow होगा, right? उसे ध्यान में रखना है. And a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the above condition are not met, no provision are recognized. और उसका reliable हम estimate कर पाएंगे. हमें actually कितनी liability होगी वो नहीं पता है. अगर वो पता होता तो वो हमारी liability बन जाती. यहाँ पर हम reliable estimate कर पाएंगे तभी वो provision होगा. ये provision के conditions है, वो आपने S29 में भी पढ़ा होगा. ये important है, ये आपको definition है, वो correct incorrect MCQ descriptive में पूछ सकता है. If these conditions are not met, no provision should be recognized. चलिए, for example, provision may include provision for litigation, provision for warranties, etc. Then contingent liability is a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. Possible obligation है कि शायद हो सकता है from past events, और उनका जो existence है वो confirm होगा occurrence या फिर non-occurrence of some event, future events, right? उन वो होंगे या फिर नहीं होंगे उसके ऊपर हमारी liability होगी या नहीं वो हमें पता चलेगा, और वो पूरे ही entity के control में नहीं होंगे. उसके लिए हमें contingent liability शायद हो सकती है. या फिर present obligation है that arises from the past event but it is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation. Present obligation है past events की वजह से, but हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें से economic outflow नहीं होगा. और the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability. और अगर होगा तो कितनी amount होगी वो हम sufficiently reliably estimate नहीं कर पाएंगे, तब हमें उसे contingent liability दिखाना है, उसके लिए provision वगैरह नहीं करना होगा. उसका ऑडिट कैसे करेंगे वो देखते हैं. टू एस्टेब्लिश द एक्जिस्टेंस ऑफ प्रोविजन एज एट द पीरियड एंड प्रोविजन दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज कंप्लीटनेस और प्रोविजन बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली दैट इज वैल्यूएशन. ये तीनों ही असर्शन एक साथ दिए गए हैं. ये रिसेंटली पूछा हुआ है प्रोविजन का, किस तरह से एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे. चलिए, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस एंड कंपेयर देम विद बैलेंसेस इन द लेजर. सारे प्रोविजन का लिस्ट मंगवाएंगे और उसे लेजर के साथ मैच करेंगे. इंस्पेक्ट द अंडरलाइंग एग्रीमेंट्स लाइक एग्रीमेंट विद कस्टमर्स टू असेस वारंटी कमिटमेंट्स एनी लीगल एंड अदर क्लेम्स ऑन द एंटिटी दैट इज लिटिगेशन एटसेट्रा. कस्टमर या किसी के साथ अगर लिटिगेशन कोई भी क्लेम वगैरह चल रहा है तो वो हम मंगवाएंगे. ऑब्टेन द अंडरलाइंग वर्किंग एंड द बेसिस फॉर ईच ऑफ द प्रोविजन मेड फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेरीफाई वेदर द सेम इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट. जितने भी वर्किंग होंगे प्रोविजन वगैरह के लिए वो सब कुछ मंगवाएंगे और वो देखेंगे कि वो बराबर है या नहीं, कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं, वो हमें चेक करना रहेगा. Wherever required, obtain experts' report, calculation and underlying working for the provision amount. Example for warranty involving complex calculations, some entities get that value through the actuary. कुछ चीजों के लिए, कुछ provision के लिए हमें शायद expert की necessity होगी, उनकी requirement रहेगी, तो expert के पास provision वगैरह करवाएंगे. वो actuary हो सकता है, like कि कितना warranty का expense या loss हो सकता है. In such a case, the auditor may request the management to share the actuarial valuation report and in case of any matter under legal dispute, the auditor should request for assessment made by a legal expert in relation to likelihood of a liability devolving on entity, that is whether the probable or possible or remote as defined above. अगर actuary वगैरह पे वगैरह के पास कोई भी valuation provision वगैरह करवाया है, राइट, तो उसके लिए हमें एक्चुरियल का रिपोर्ट मंगवाना रहेगा. एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए भी ये जनरली रहता है, ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है. आपको प्रैक्टिकली जब ऑडिट करने चाहेंगे तब भी वो पता चलेगा, आपको देखने को मिलेगा, तो वो एक्चुअली का रिपोर्ट हमें लेना रहेगा. या फिर अगर कोई लीगल एक्सपर्ट के पास कोई भी है कि क्या हमें ये पे करना रहेगा या नहीं, क्लेम आएगा या नहीं, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए भी अगर कोई रिपोर्ट है तो वो भी हम देख सकते हैं. द ऑडिटर शुड देन वेरीफाई द अंडरलाइंग असम्पशंस यूज्ड बाय द एक्सपर्ट विद द डेटा शेयर्ड बाय द मैनेजमेंट. उसमें जो मैनेजमेंट ने डेटा शेयर किया है और जो एक्सपर्ट ने assumptions लिए हैं वो बराबर है या नहीं, वो हमें देखना होगा, क्योंकि उनकी इंपैक्ट शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आएगी, तो वो हमें कंसिडर करना रहेगा. चलिए,
एज पर एस ए 500 ऑडिट एविडेंस इश्यूड बाई आई सी आई वेन यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑडिट एविडेंस दैन द ऑडिटर शुड ऑब्टेन इंक्लूड. अगर हम किसी एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क का यूज कर रहे हैं फॉर अवर ऑडिट एविडेंसेस, तो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंसेस में उनके लिए गाइडेंस दिया है कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए. ये हमने चैप्टर 3 के पार्ट 1 ऐसे 500 के साथ भी देखा हुआ है, ये आपको चैप्टर 3 में भी दिया हुआ है. वहां पर 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, उस 3 पॉइंट्स को यहाँ पर एलोबरेट किया हुआ है. राइट, चलिए. फर्स्ट, इवेल्यूएट द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट. वो जो एक्सपर्ट है उनकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हमें चेक करनी रहेगी. उसके लिए क्या करेंगे, वेदर द एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और एन आउटसाइड पार्टी. वो जो भी एक्सपर्ट है वो क्या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है या फिर वो आउटसाइड पार्टी है, प्रोफेशनल लीगल प्रोफेशनल फॉर्म हो सकती है. वेदर द एक्सपर्ट इज इंडिपेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, वो एंटिटी से इंडिपेंडेंट है या नहीं. अगर इंडिपेंडेंट होगा तो उनकी ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, वो अच्छे से काम कर पाएगा. ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट. ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस एक्सपर्ट के साथ. नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट, हिज क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी और इंडस्ट्री एसोसिएशन एटसेट्रा. राइट, वो एलिजिबल है या नहीं, वो सारी चीजें देखेंगे. ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, वेदर द ऑडिटर हैज एक्सपर्टीज टू इवेल्यूएट द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट. दूसरा, उस एक्सपर्ट का वर्क जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी रहेगी. उसके लिए हमें देखना होगा कि क्या ऑडिटर है वो एक्सपर्टीज देख सकेगा, उसकी उनकी इवेल्यूएट कर पाएगा या नहीं. इवेल्यूएटिंग द अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ने जो भी डेटा दिया है और अजम्पशंस लिए है एक्सपर्ट ने, वो सारी चीजें उनके उन्होंने जो मेथड्स यूज की है वो सारी चीजें हम देखेंगे. Evaluating the nature of internal or external data used by the expert. उसमें management जो data देंगे वो internal data भी use करेंगे as well as external data जो सभी के लिए available है, वो सारे assumptions के लिए भी वो data use करेंगे, तो वो सारी चीजें बराबर है या नहीं वो हमें देखना रहेगा. Evaluate the appropriateness of his work as audit evidence for the relevant assertion. Relevance and reasonableness of the expert's findings or कंक्लूजन. रिलेवेंस और रीजनेबलनेस देखने रहेंगे कि जो एक्सपर्ट के फाइंडिंग्स है कंक्लूजन्स है वो बराबर है या नहीं, वो रिलेवेंट है या नहीं, वो रीजनेबल है या नहीं, वो देखेंगे. इवेल्यूएटिंग द रिलेवेंस कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा यूज्ड बाय द एक्सपर्ट. हम इवेल्यूएट करेंगे कि वो रिलेवेंट कंप्लीटनेस एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा यूज्ड बाय द एक्सपर्ट. अगर वो बराबर होगा तभी उनके उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है वो बराबर हो सकता है. राइट, तो यहाँ पर तीन चीजें हमें देखनी रहेगी. फर्स्ट, जो भी एक्सपर्ट है उनकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी. सेकंड, उनकी उन्होंने जो वर्क किया है उनकी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे. और थर्ड, हम इवेल्यूएट करेंगे कि क्या वो एविडेंस जो एक्सपर्ट का रिपोर्ट है वो क्या हमारे लिए ऑडिट एविडेंस बन पाएगा या नहीं, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं. राइट, ये चैप्टर 3 में दिया था, वो सिर्फ 3 पॉइंट दिए थे. यहाँ पर जो इन डिटेल सब पॉइंट्स दिए हैं वो इसी चैप्टर में दिए हैं और ये पूछ सकते हैं. चलिए, The auditor shall obtain written representation from the management that it has made all the provisions which were required to be made as per the recognized accounting principle. हम उनके पास से, मैनेजमेंट के पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि उन्होंने जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितना उनको करना था प्रोविजन कंटेंशन लाइबिलिटी, वो सब कुछ किया हुआ है. राइट, देन डिस्क्लोजर, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन, द अमाउंट शेल बी क्लासिफाइड एज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अदर्स. उसमें प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जिसमें जनरली ग्रेच्युटी लीव एनकैशमेंट रहता है. पहले पेंशन रहता था बट अब पेंशन जनरली सभी कंपनीज में से बंद हो गया है तो वो अब नहीं आएगा. बाकी ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट रहते हैं. देन अदर्स, बाकी कोई भी होगा तो वो अदर्स में क्लासिफाई होगा. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसमें भी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अदर्स. कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर. अगर उनका कोई भी प्रोविजन नहीं किया है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट है वो सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा, वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होगा. Contingent liabilities shall be classified as claims against the company not acknowledged as debt, guarantees, other monies for which the company is contingently liable. Right? Commitments shall be classified as estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, uncalled liability on shares and other investment partly paid, other commitments specify the nature. In terms of AS 29, provisions, contingent liabilities and contingent assets ensure whether following disclosure have been made. AS 29 के हिसाब से जो disclosure करने हैं वो बराबर हुए हैं या नहीं वो हमें चेक करना होगा. For each class of provision, an enterprise shall disclose the carrying amount at the beginning and at end of the period, additions
एडिशनल प्रोविजंस मेड इन द पीरियड इंक्लूडिंग इंक्रीज टू एक्जिस्टिंग प्रोविजन, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या है, एडिशंस कितना हुआ है, अमाउंट्स यूज्ड दैट इज इनकर्ड एंड चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रोविजन ड्यूरिंग द पीरियड, जितनी भी अमाउंट उसमें से यूज हुई है उसे अलग से दिखाना है, अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और अनयूज्ड अमाउंट से अगर उनको रिवर्स किया है तो वो भी डिस्क्लोज करना रहेगा। एन एंटरप्राइज शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड द एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ एनी रिजल्टिंग आउटफ्लोज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, डिस्क्रिप्शन देना है नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन कैसा है राइट प्रोविजन के लिए, वो हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना होगा। An indication of the uncertainties about the amount or timing of these outflows, where necessary to provide adequate information, an entity shall disclose the major assumptions made concerning future events. ये हमें दिखाना है कि टाइमिंग और जो अमाउंट है उनका कितने किस तरह से अनसर्टेनिटीज है वो हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना है, और अगर कोई भी assumptions है वो material है major assumptions है तो वो भी डिस्क्लोज करेंगे। And the amount of any expected reimbursement stating the amount of any asset that has been recognized for that expected reimbursement. अगर कोई भी reimbursement expected है तो उनके बारे में भी disclose करेंगे। Then unless the possibility of any outflow of settlement is remote, an enterprise should disclose of each class of contingent liability at the balance sheet date a brief description of the nature of the contingent liability and where practicable an estimate of its financial effect, an indication of the uncertainties relating to any outflow and the possibility of any reimbursement, right? ये contingent liability के लिए हम disclose करेंगे, right? तो ये था provision and contingent liability का audit, और यहाँ पर हमारा chapter 9 भी खत्म होता है। हमने सारी ही items जो financial statements की है उनका audit किस तरह से करेंगे, क्या क्या disclosure रहेंगे schedule 3 के हिसाब से, वो सब कुछ discuss किया। Hope you are clear with it, right? Like and share this video, please comment अगर आपको कुछ भी doubt है तो, and subscribe the channel। और हम नेक्स्ट वीडियो में कारो 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 9 के तीनों ही पार्ट्स देखने के बाद कारो 2020 देखना ज्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि यहां से जो डिस्क्लोजर है वो काफी सारे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कारो 2020 में भी हमें रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, राइट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।